हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। तो बेटा, हम लोग आज बात करने वाले हैं आप लोग के SST का पेपर है बेटा, अब नेक्स्ट। और SST में आपके चार छोटे छोटे सब सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर। जैसे हम लोग बात करें तो बेटा, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, सिविक्स है। तो ये सब चैप्टर्स मौजूद हैं जिससे रिलेटेड आपके सामने बेटा क्वेश्चंस बोर्ड्स में पूछे जाएंगे, ठीक है? तो आज बेटा हम लोग आज वीडियो की शुरुआत करेंगे और इसके अंदर बेटा हम लोग कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं ज्योग्राफी की, ठीक? फिर उसके बाद बेटा फिर हिस्ट्री की कंप्लीट रिवीजन की एक सीरीज आएगी, और फिर उसके बाद बेटा इकोनॉमिक्स और सिविक्स की भी एक एक कंप्लीट रिवीजन की टिप्स आने वाली है, ठीक है? तो आप बेटा बने रहें और इस वीडियो को देखते रहें। अगर वीडियो काफ़ी स्लो लगे बेटा, ठीक है, तो आप इसको 1.5 की स्पीड में या फिर 1.75 की स्पीड में भी आप देख सकते हैं, ठीक है बेटा? वो अलग अलग बच्चों का अलग अलग सुनने का और ग्रैस्पिंग करने का जो तरीका है, आप उस स्पीड पे देखेंगे, जब सुनेंगे तो आपको बेटा काफ़ी मतलब की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा और आपकी कवर भी ये आसानी से हो जाएगी। तो बेटा यहाँ पे आपके सामने चैप्टर वन है जो कि रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, और बेटा इसमें बहुत सारे पार्ट्स आने वाले हैं, लेकिन हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं बेटा आपके सामने रिसोर्स एंड डेवलपमेंट चैप्टर वन से। और इसके जो नोट्स हैं हमने उस पर चर्चा करनी है, और बेटा इसके अंदर जो SST जिनकी हिंदी में है उसके लिए उनके लिए भी नोट्स हैं यहाँ पे। आप वो लोग नोट्स को पॉज करके, अपने वीडियो को पॉज करके बेटा उसकी जानकारी ले सकते हैं, ठीक है? तो बेटा हमारे सामने है रिसोर्सेज। सबसे पहला पॉइंट है रिसोर्सेज क्या होता है। तो रिसोर्सेज है कि एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट, यानी सिंपल अगर हम रिसोर्सेज का मतलब समझें तो हमारे इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ें हैं बेटा, जो भी मतलब कि जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो धरती के अंदर हो या धरती के ऊपर हो, जिनका हम उपयोग करें, डायरेक्टली उपयोग करें या फिर इनडायरेक्टली उसका यूज़ करें, यूज़ करके अपने अपने जो जो क्या कहते हैं बेटा, लाइफ स्टाइल है उसकी लेवल को और ऊपर करें, तो उसको बोलते हैं बेटा, उसको हम टर्म करते हैं क्या, रिसोर्सेज, ठीक है? जिसको हम लोग हिंदी में संसाधन भी कहते हैं, ठीक है? तो रिसोर्सेज आपसे पूछे तो क्या बेटा, तो रिसोर्सेज आर ऑल द थिंग्स विच आर अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट, यानी कि हर वो एक चीज़ जो हमारे प्रकृति में मतलब कि हमारे पर्यावरण में मौजूद हैं और जिसका यूज हम अपने ज़रूरतों को पूरी करने के लिए करते हैं, तो उसे हम बेटा रिसोर्स कहते हैं, ठीक है? अब रिसोर्सेज बेटा कोई भी हो सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर बात करो तो सनलाइट, एयर, वाटर, बेटा आप ग्रास, ट्रीज, ओशंस, रोड्स, उसके बाद बेटा सॉयल, ये सब सारी की सारी चीज़ें क्या हैं बेटा, सारी की सारी चीज़ों को ही हम लोग एग्जाम्पल में रिसोर्सेज के तौर पे यूज़ करते हैं, क्योंकि इन सब का यूज़ हम करते हैं अपने ज़रूरत के हिसाब से, ठीक है? नेक्स्ट बेटा हम लोग बात करें रिसोर्सेज को फर्दर, यहाँ पे कई सारे पार्ट में क्लासिफाई करा गया है, जिसमें पहला बेटा बायोटिक रिसोर्स, यानी वो रिसोर्स जो कि लिविंग रिसोर्स है और हमारे आसपास में पाया जाता है उसको बायोटिक रिसोर्स कहते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा, फना, फिशर्स और लिव स्टॉक, यानी कहने का मतलब ह्यूमन बींग्स मानव, फ्लोरा प्लांट्स, फना एनिमल्स, यानी कि ये सबको कंबाइनली कोई बेटा हम लोग कहते हैं बायोटिक रिसोर्सेज, ठीक है? नेक्स्ट है हमारा अबायोटिक रिसोर्सेज। उसमें क्या बेटा, जो भी रिसोर्सेज जो नॉन लिविंग है, इन नॉन लिविंग रिसोर्सेज जिनका यूज हम करते हैं उनको कहते हैं नॉ मतलब कि अबायोटिक रिसोर्सेज। जैसे हो गया रॉक्स, मेटल, भाई मेटल्स का यूज करते हैं हम लोग यूटेंसिल्स बनाने के लिए, खाना, हथियारों के लिए, रॉक्स का उपयोग करते हैं घर बनाने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए, ओके? जैसे गिट्टी हो गया, बालू हो गया, ये सब में किसका उपयोग करते हैं बेटा हम लोग, उसमें हम लोग करते हैं अबायोटिक रिसोर्स। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग बेटा रिन्यूएबल रिसोर्सेस, यानी वो रिसोर्स जो रिन्यू हो जाते हैं, यानी जो ख़त्म नहीं हो सकते हमारी धरती से। वो कुछ इस प्रकार हैं, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी, ये कभी ख़त्म नहीं हो सकते और ये बार बार, एक बार ख़त्म हो जाते हैं फिर बन जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं बन जाते हैं, यानी रिन्यूएबल होते हैं बेटा, ठीक है? तो इसको हम बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेस, ठीक है? नेक्स्ट आता है बेटा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस क्या होते हैं,
तो ऐसे रिसोर्सेज जो कि रिन्यू नहीं हो सकते, यानी एक बार अगर ख़त्म हो गए तो दोबारा वो आ नहीं सकते, इसलिए उसको बोलते हैं बेटा हम लोग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, जैसे एग्जांपल्स में फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल्स अगर एक बार हम उपयोग कर दिए, जैसे पेट्रोलियम, डीजल, केरोसिन, एलपीजी गैस, कोल, अगर एक बार यूज कर दिया बेटा दोबारा वो रिन्यू नहीं होगा। ठीक है, वो एक बार ख़त्म तो ख़त्म। नेक्स्ट है आपका बेटा इंडिविजुअल रिसोर्स। इंडिविजुअल रिसोर्स क्या होता है? तो दे आर ओन प्राइवेटली बाई इंडिविजुअल्स, यानी ऐसे रिसोर्स जो कि किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा मतलब कि ओन किया जाता है, कहा जाता है कि भाई ये हमारी खुद की प्रॉपर्टी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, उसको बोलते हैं बेटा हम इंडिविजुअल रिसोर्स। जैसे हमारा घर, मकान, ये सब क्या है? इंडिविजुअल रिसोर्स। उसको बोलते हैं कम्युनिटी ओन रिसोर्स, यानी बेटा वो रिसोर्स जो कम्युनिटी ओन, यानी कि किसी किसी एक ग्रुप के द्वारा वो ओन किया जाता है। जैसे एक लोगों के द्वारा नहीं, बहुत सारे लोगों के द्वारा कहा जाता है कि भाई ये हम सबकी प्रॉपर्टी है, तो उसको बोलते हैं बेटा कम्युनिटी ओन प्रॉपर्टी। ठीक है, क्या बोलते हैं? कम्युनिटी ओन प्रॉपर्टी। नेक्स्ट बेटा नेशनल रिसोर्सेज, तो जो भी रिसोर्सेज किसी देश से बिलोंग करते हैं लीगल तरीके से, ठीक है, और मतलब कि कोई भी कंट्री के पास उसके पास हक होता है कि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी या पब्लिक गुड के लिए यूजफुल कर सके, उसे बोलते हैं बेटा नेशनल रिसोर्सेज। ठीक है, इन सब के एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज क्या है? जैसे बेटा एक कम्युनिटी है, एक गांव है, एक गांव ने देखा कि यहाँ पे कहीं बच्चों के खेलने के लिए प्लेग्राउंड नहीं है, तो सबने मिलकर एक चंदा इकट्ठा किया और चंदा इकट्ठा करके एक ज़मीन खरीदी, उस ज़मीन को प्लेग्राउंड बना दिया। तो ये बेटा कम्युनिटी ओन रिसोर्स है, यानी कि पूरी कम्युनिटी का उसे बराबर का उपयोग है, किसी का भी वो पर्सनल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है नेशनल हो गया बेटा। तो नेशनल में है जो गवर्नमेंट रूल करती है, गवर्नमेंट जो एक्ट करती है वो सबके लिए करती है, तो वो को बेटा नेशनल रिसोर्सेज हो गए। जैसे रोड्स, जैसे वो नेशनल हाईवे जो होते हैं वो नेशनल रिसोर्सेज में आते हैं। ठीक है, तो ऐसे रिसोर्सेज जो नेशनल द्वारा मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा या गवर्नमेंट द्वारा जैसे एक्वायर करा जाता है, तो उस तरह के बेटा बोलते हैं हम लोग नेशनल रिसोर्सेज। नेक्स्ट है पोटेंशियल रिसोर्सेज। तो पोटेंशियल रिसोर्सेज वो है बेटा जो ऐसे रिसोर्सेज जो किसी एक रीजन में पाया जाए, यानी फिक्स रीजन में पाया जाए, ठीक है, और हम उसको यूटिलाइज ना कर सकें, यानी कि वो हम यूटिलाइज ना कर सकें, मतलब वो वहाँ पे मौजूद है पर हम उसका कोई उपयोग नहीं कर सकते, इसलिए उसको बोलते हैं बेटा पोटेंशियल रिसोर्सेज। नेक्स्ट है डेवलप्ड रिसोर्सेज। तो वो बेटा जो रिसोर्सेज सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वान्टिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन, यानी ऐसे रिसोर्सेज जिसको हमें सर्वे करके पता चला कि भाई ये अमाउंट में कितना है और हमें हमें इसका कितना यूज करना चाहिए और इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है, वो अच्छी है कि बुरी है, यूज करने पे हमें घाटा होगा कि नफ़ा होगा। ठीक है, इस तरह की बातें वहाँ पे देखने को मिलती है, तो उसको बोलते हैं बेटा डेवलप्ड रिसोर्सेज। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हमारा स्टॉक। अब स्टॉक क्या होता है? तो मटेरियल्स इन द इन्वायरमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बट ह्यूमन बींग्स डू नॉट हैव द एप्रिशिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस दिज आर कॉल्ड इंक्लूडेड अमंग स्टॉक। यानी कि स्टॉक एक इस तरह का बेटा रिसोर्सेज है, हमारे इन्वायरमेंट में पाया जाता है। ठीक है, कि उसकी क्वालिटी है कि वो पूरे ह्यूमन बींग्स को सेटिस्फाई कर सकती है, यानी कि उसके नीड्स को, उसके वॉन्ट्स को पूरी तरह भर सकती है, लेकिन हम लोग के पास यानी ह्यूमन्स के पास ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो उनका उपयोग कर सके, उसको बोलते हैं बेटा स्टॉक। ठीक है, नेक्स्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट बेटा ऐसे डेवलपमेंट होते हैं जिसमें जो भी गवर्नमेंट होती है, जो भी एक गवर्निंग बॉडीज होती है, वो करती क्या है कि वो अपने डेवलपमेंट के लिए कुछ ऐसे रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करके रखती है फ्यूचर के लिए, कि फ्यूचर में हमारे देश में या हमारे राज्य में या हमारे लोगों के लिए ये बहुत ही यूज़फुल साबित होने वाला है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं बेटा लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा हमारे सामने, तो ये बेटा आप देख सकते हो हिंदी में वही चीज़ हमने यहाँ पे जो इंग्लिश में आपको समझाने की कोशिश करी वो हिंदी में मेंशन है। उम्मीद है कि आपको इंग्लिश वाली बातों को हमने समझाने की कोशिश करी तो वो समझ में आई होगी। ठीक है, अगर आपने हिंदी वाला सेलेक्ट करके रखा है आपके बोर्ड के पेपर में, तो आप हिंदी वाली भी आप गो थ्रू कर सकते हो। ठीक है, जैसे संसाधन हो गया, जैविक संसाधन, अजैविक संसाधन, नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, ठीक है, व्यक्तिगत संसाधन, समुदायी स्वामित्व वाले संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, संभवित संसाधन, विकसित संसाधन, ठीक है, और पर्यावरण में स्टॉक और सतत विकास। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बेटा आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है,
नेक्स्ट है कुछ कीवर्ड्स हैं इस लेसन के, वो क्या मिलते हैं इस चैप्टर बेटा, तो वो मिलते हैं कि अबायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं भाई, अबायोटिक रिसोर्सेज, तो वो रिसोर्सेज जो नॉन लिविंग थिंग से बने होते हैं उसको अबायोटिक कहते हैं। एफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है, जंगल में दोबारा प्लांट को लगाने को हम लोग एफॉरेस्टेशन कहते हैं, ठीक है। बायोटिक मतलब जितने भी लिविंग बींग्स वाले हैं सारे के सारे बायोटिक हम। कंजर्वेशन, कंजर्वेशन यानी कि जब हम किसी चीज़ का रक्षा करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं ताकि वो लॉन्ग टाइम तक, पॉसिबल पीरियड ऑफ टाइम तक वो अर्थ पे मौजूद हो, उसको कंजर्वेशन कहते हैं बेटा, ठीक है। फेलो लैंड क्या होता है, तो इट इज़ अ कल्टिवेबल लैंड विच इज बींग अलाउड टू रेस्ट अनक्रॉप और पार्शियली क्रॉप फॉर वन और मोर रीजन सो दैट इट कैन रिगेन इट्स फर्टिलिटी। यानी बेटा ऐसे ऐसे ज़मीन जिस पे लगातार खेती हो रही है और कुछ समय के लिए खेती बंद कर दी जाती है ताकि वो फिर से अपनी उर्वरक क्षमता वाली क्वालिटी क्या कर ले, गेन कर ले, इसको बोलते हैं बेटा फैलो लैंड, ठीक है। नेक्स्ट है गली इरोजन क्या होता है, तो गली इरोजन है इट टेक्स प्लेस व्हेन रनिंग वाटर कट डीप इन द वेयर्स एब्सेंस ऑफ वेजिटेशन इट मेक्स सॉइल अनफिट फॉर कल्टीवेशन। यानी गली इरोजन का मतलब बेटा जब एक होती ना कि जब नाली बह रही है, नाली बहते 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 होता है क्या है कि वहाँ पे गड्ढा खन जाती है, ठीक है। तो कैसे गड्ढा होता है, तो नाली के संग नाली में पानी बहता है, पानी बहता है मिट्टी के ऊपर से, मिट्टी को अपने साथ लेते 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 वहाँ पर बहुत बड़ा सा नाला बन जाता है, इसको कहते हैं बेटा इरोजन। सॉइल इरोजन हुआ है लेकिन वहाँ पे वो बहुत ही पतली सी गली जैसी बन जाती है, उसको गली इरोजन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा लैंड डिग्रेडेशन, इसका मतलब है कि जो भी ज़मीन खेती के लिए परफेक्ट नहीं है उसको लैंड डिग्रेडेशन में काउंट किया जाता है। रिन्यूएबल रिसोर्स, जो रिसोर्स फिर से नहीं हो सकते उसको रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। मैनमेड रिसोर्स यानी बेटा जो भी रिसोर्सेज इंसानों द्वारा बनाए जाते हैं उसको हम लोग मैनमेड रिसोर्स कहते हैं। और नेचुरल रिसोर्सेज में है रिसोर्सेज दैट आर प्रकृति द्वारा जो भी गिवन है रिसोर्सेज उसे हम प्राकृतिक या नेचुरल रिसोर्स भी कहते हैं, ठीक है। अब ये जो ऊपर बेटा हम लोगों ने भी आंसर करे उसके भी आपको हिंदी में वर्ड्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, आप इसके भी बारे में जानकारी ले सकते हो, ठीक है। इनका मतलब हिंदी में जो समझाने का तरीका है मैंने वो वही सेम निकलने वाला है, लेकिन आप कौन से शब्दों का प्रयोग करोगे वहाँ पे वो आवश्यक है, क्योंकि आप नॉर्मल शब्दों का प्रयोग, इंग्लिश शब्दों का प्रयोग आप नहीं कर सकते, ठीक है। चलो नेक्स्ट बेटा वन वर्ड क्वेश्चन आ गए चैप्टर वन के, हु रोट द बुक स्मॉल इज ब्यूटीफुल, ठीक है, तो वो है इसको मैचर, ठीक है। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन देयर इन द रिवर डेल्टा ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट, यानी कि पूर्वीय कोस्ट के तरफ कौन किस तरह के सॉइल पाए जाते हैं, तो पूर्वी कोस्ट के तरफ अलुवियल सॉइल पाए जाते हैं बेटा, जो कि सॉइल बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंस है फर्टिलिटी तौर पे, बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है क्योंकि ये नदियों के आसपास पाया जाने वाला सॉइल है तो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा डेल्टाज में यही पाया जाता है, ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम नदियाँ बेटा जो होती हैं इंडिया में वो क्या कहते हैं वेस्टर्न से ईस्टर्न की तरफ बहती हैं, जिसकी वजह से डेल्टा का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, डेल्टा का फॉर्मेशन, ओके। नेक्स्ट है बेटा हमारा राइट द टू टाइप रिन्यूएबल रिसोर्स, तो एक है कॉन्टिन्यूस और एक है बायोलॉजिकल, तो ये दोनों रिसोर्स कैसे होते हैं, वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रॉम विच फाइव ईयर प्लान हैज इंडिया मेड कंसर्टेड एफर्ट्स फॉर अचीविंग द गोल्स ऑफ रिसोर्स प्लानिंग, यानी कि कौन से फाइव ईयर प्लान से इंडिया ने अपने संसाधन को ऐसे यूज करना है जिससे कि वो ख़त्म भी ना हो और हमें फ्यूचर के लिए भी उपलब्ध हो, वो सबसे पहले फर्स्ट फाइव ईयर प्लान बनाया गया था, जो पहली पंचवर्षीय योजना बनी थी आज़ादी के टाइम में उसी समय बेटा सबसे पहला प्लान बनाया गया था और वहाँ पर इसका यूज किया गया था। नेक्स्ट है गिव एनी टू फैक्टर विच डिटरमाइन लैंड यूज पैटर्न ऑफ अ नेशन, यानी किस तरीके से जो कौन से फैक्टर हैं जिससे कि लैंड कितना यूज हुआ है किसी भी नेशन में कैसे पता चलता है, तो एक होती है बेटा टोपोग्राफी और एक होता है पॉपुलेशन, इन दो तरीके से पता करते हैं कि भाई किसी भी देश में ज़मीन की उपयोगिता कितनी हो रही है। नेक्स्ट है हाउ मच डिग्रेडेड लैंड इज प्रेजेंट इन इंडिया, यानी भारत में ऐसे कितने मतलब कितना ज़मीन है जो कि खेती योग्य उपजाऊ नहीं है, तो वो है बेटा 130 मिलियन हेक्टेयर इतना है, ठीक है। बाय विच नेम इज बैड लैंड नोन इन चंबल बेसिन, यानी जो भी मतलब ऐसे लैंड वैसी ज़मीन जो खेती योग्य नहीं होते उसको चंबल के घाटी में क्या कहते हैं, नाम क्या उसका, तो रामायण कहते हैं बेटा, ठीक है, रामायण कह सकते हैं वहाँ पे। नेम द इंस्टीट्यूशन विच इज एम्पावर्ड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू अक्वायर लैंड, यानी कौन सी ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पावर देता है कि वो ज़मीन को क्या कर सकता है, अधिग्रहण अतिक्रहण
अतिक्रमण नहीं कह सकते बेटा, अधिग्रहण कर सकता है, ठीक है, क्योंकि भाई गवर्नमेंट अपने लिए तो रखेगी नहीं, वो कुछ ना कुछ बनाने के लिए रखेगी। तो वो बेटा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, इनके पास होता है जमीन अतिक्रम, जो भी अतिक्रमण होता है उसको हटाने के लिए और जमीन अधिग्रहण करने के लिए भी, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज स्ट्रिप क्रॉपिंग, तो बेटा लार्ज फील्ड डिवाइडेड इंटू स्ट्रिप्स, इसी ग्रास आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप्स, दिस ब्रेक अप द फोर्स ऑफ द विंड, दिस मेथड नोन एज स्ट्रिप क्रॉपिंग। यानी बड़े बड़े जो फील्ड होते हैं उसमें जो बेटा मेड़ होती है ना, मेड़ जिसको कहते हैं, जब जैसे खेत में मेड़ बनाया जाता है ऐसे पील, अच्छा छोटा 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 बांध टाइप का, बहुत ही कम हाइट का, जिससे कि पानी या फिर कोई और चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह ना जा पाए, उस मेड़ के ऊपर ग्रास उगा जाता है पतले पतले स्ट्रिप के ऊपर, ताकि जो भी तेज़ हवा चलती हैं वो ग्रास उसकी स्पीड को क्या कर दे, स्लो कर दे, और जो क्रॉप है वो प्रोटेक्टेड हो, ठीक है। नेक्स्ट है नेम द वे विच हेल्प द सैंड ड्यून टू स्टेबलाइजेशन, यानी कौन सा वे है बेटा जिससे सैंड ड्यून को स्टेबलाइज किया जाता है, वो है शेल्टर बेल्ट्स, हैव कौन से जो स्पेस सैंड ड्यून, यानी जो शेल्टर बेल्ट्स होते हैं, एक तरह का बेल्ट होता है बेटा, ठीक है, वो होता है एक एक मैनमेड बेल्ट्स होते हैं जिसका प्रयोग करते हैं हम लोग, ताकि जो सैंड ड्यून्स हैं वो क्या हो, मतलब कि स्टेबलाइज हो, उड़े नहीं, उड़ उड़ के कहीं और ना निकल जाए, ठीक है। इसलिए यहाँ बेटा हिंदी में सबके क्वेश्चंस यहाँ पे आपके सामने मेंशन है, आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा हाउ कैन द प्रॉब्लम ऑफ डिफॉरेस्टेशन बी सॉल्व, यानी डिफॉरेस्टेशन की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो कई सारे तरीके हैं। एक तो ज़बरदस्त पेड़ लगाओ पहला, दूसरा ग्रेजिंग कम करो, यानी जानवरों को वहाँ कम ले जाओ, ठीक है, और जिसकी वजह से वहाँ पे हाँ ठीक है बेटा, जिसकी वजह से वहाँ पे हो क्या कि जंगल, एक सेकेंड, हाउ कैन प्रॉब्लम डिफॉरेस्टेशन भी सॉल्व, अच्छा हाँ ठीक है ठीक। तो पहला है कि प्लांट उगाओ, दूसरा है बेटा कि ग्रेजिंग के लिए जानवरों को कम ले जाओ वहाँ पे, और प्रॉपर वेस्टलैंड का मैनेजमेंट करने का सिस्टम हो, प्रॉपर डिस्चार्ज हो, डिस्पोजल हो, वेस्ट मटेरियल का ट्रीटमेंट हो, तब जाके उसको लीव किया जाए। तो बेटा ये सारे प्रॉब्लम्स हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, लैंड, एक सेकेंड बेटा ठीक है, ये क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है, आंसर कुछ और निकल रहा है, इसमें गड़बड़ हो गई तो ना। हाउ कैन द प्रॉब्लम डिफॉरेस्टेशन बी सॉल्व, क्वेश्चन देयर आर मेनी वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम लैंड डिग्रेडेशन, ठीक है। तो ये बेटा ये दोनों का आंसर करते हैं हम लोग, काहे को टेंशन है। पहला है डिफॉरेस्टेशन कैसे सॉल्व करोगे, तो पहला है बेटा कि सबसे पहले पेड़ लगाओ, और दूसरा पेड़ कम काटो, ये हो गया। तीसरा वहां पे ग्रेजिंग के लिए जानवरों को कम ले जाओ, तो ये तीन तरीके हैं जिससे हम डिफॉरेस्टेशन को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी लैंड डिग्रेडेशन को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं हम, तो हम पेड़ लगा सकते हैं, ठीक है, पेड़ लगाने से लैंड डिग्रेडेशन कम होगा, हम वहाँ पे शेल्टर बेल्ट का यूज करेंगे, वहाँ पे हम हरी हरी झाड़ियाँ लगाएंगे, उसके बाद प्रॉपर जो वेस्ट है, वेस्ट मटेरियल्स है, उसको हम सही जगह पे मैनेज करेंगे, उसको ऐसे ही जमीन में नहीं छोड़ेंगे, किसी भी उपजाऊ जमीन में, तो क्या पता जो भी बेटा सीवेज होता है उसके अंदर से, उसके अंदर कंपनियों का कचरा आइटम होता है, कचरा लिक्विड होता है, वो लिक्विड अगर सही जमीन पर जाएगा तो वहाँ पे जितने भी उपजाऊ वाले प्रोटीन्स, विटामिन, कैल्शियम, उन सबको मार देगा, तो फिर खेती होगी नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट बेटा वाई सॉयल द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स एक्सप्लेन, बेटा ये है कि इट इज़ द मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड सपोर्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑन द अर्थ, ठीक है। ये जो सॉयल है ये प्लांट के ग्रोथ में सपोर्ट करता है, हेल्प करता है, और बहुत सारे जो लिविंग हैं वो सबके सब सॉयल में ही रहते हैं, ठीक है, और लगभग मिलियंस ऑफ ईयर टू फॉर्म अ सॉयल अप अ फ्यू इन अ डेप्थ, यानी कि लगभग करोड़ों साल लग जाते हैं सॉयल को बनने में, ठीक है, और ऐसा होने में, ठीक है बेटा। तो जिससे होता है क्या है कि जब वेरियस कुछ चेंजेस होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, जैसे टेम्परेचर चेंज हो गया, पानी बहने लगा, विंड आ गया, ग्लेशियर्स पिघल गए, कुछ डिकम्पोजर्स आ गए, तो जिसकी वजह से वो सारे के सारे बेटा हेल्प करते हैं सॉइल को अपने अंदर में क्या करने में, इसको बेटा रिन्यूएबल करने में, और इसके अंदर मतलब कि इसको फिर से वापस से अपने ट्रैक पे लाने के लिए। तो ऐसे करके बेटा बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि सॉयल में मौजूद होती हैं, इस वजह से सॉयल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेस, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोग का बेटा गिव अ ब्रीफ नोट ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ अलुवियल सॉयल, यानी अलुवियल सॉयल कैसे बनता है।
तो होता ही है कि बेटा ये होता है, सबसे पहले बनता ही है केवल क्या कहते हैं कि जो भी नदियाँ होती हैं उनके चारों तरफ की जो जगह होती है वहीं के सॉइल को हम लोग अलुवियल सॉइल कहते हैं। होता ही है कि बेटा कि जो नदियाँ होती हैं वो जहाँ से चल के आती हैं तो अपने साथ बहुत सारे सिल्ट लेके आती हैं, यानी जो जो भी पाउडर फॉर्म में मटेरियल होता है जो अपने वहाँ से लेते हुए आते हैं बेटा पहाड़ी इलाकों से, मैदानी इलाकों में, और फिर जब धीरे धीरे उनकी स्पीड पहाड़ी इलाकों से मैदानी की तरफ क्या कहते हैं बेटा धीरे धीरे होती है, यानी कि स्लो होती हैं, वैसे वैसे जो भी स्पीड में आए हुए, मतलब कि जो भी स्पीड में आए हुए बेटा वो है, जैसे कि स्टोन हो गया, लाइम स्टोन हो गया, ये सब जितने भी स्टोन होते हैं वो सब क्या कहते हैं बेटा पाउडर टाइप हो जाता है, ठीक है। और जब स्पीड कम होता है नदी का तो वो सब धीरे 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 दोनों तरफ, मतलब नदियों के दोनों तरफ क्या होने लगता है, बैठने लगते हैं, ठीक है, स्टेबल होने लग जाते हैं। और जब वो स्टेबल होते हैं तो वही वही जो मिट्टियाँ होती हैं उन्हीं मिट्टियों को कहते हैं हम लोग अलुवियल सॉइल, ठीक है। एक ये कंडीशन हो गया। दूसरा हो गया कि जब बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है तो जैसे कि बाहर से पहाड़ी इलाकों से वो जो लाइम स्टोन या बहुत सारी जो चीज़ें हैं, मतलब कि पत्थर व के पाउडर टाइप जो हैं वो पूरे आते हैं, और मैदानी इलाकों में जब बाढ़ आती है तो वो पानी पूरा फैल जाता है, ठीक है, और बेटा पानी में पहले ही से मिक्स होता है। उसके बाद जब जब पानी रुकता है यानी स्टिल होता है वहाँ पे, तो वो उसके अंदर जो भी मटेरियल होता है वो सब पानी से ज़मीन में क्या होता है, बैठ जाता है, और जब फिर वापस पानी रिटर्न होता है तो वो बैठा का बैठा रह जाता है, जिसकी वजह से जो सॉइल होता है वो क्या होता है बेटा, फर्टाइल हो जाता है, ठीक है। तो ये कारण है सॉइल के हाईली फर्टिलिटी होने के, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, तो इसमें पोटास, फॉस्फोरिक एसिड, लाइम मौजूद होता है उस तरह के सॉइल में, जिसकी वजह से बेटा शुगर केन, धान, गेहूं और दलहन और ऐसे सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में होती हैं, ठीक है। तो ये कारण है बेटा कि अलुवियल सॉइल का होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा हमारे सामने इसी का हिंदी जो पार्ट है, तीनों का आंसर को आप देख सकते हो वहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि एक्सप्लेन लैंड यूज पैटर्न इंडिया एंड वाई हैज़ लैंड अंडर फॉरेस्ट नॉट इंक्रीज सिंस 1961। तो इस पे बेटा बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि अगर इस टाइप के क्वेश्चंस अगर एग्जाम्स में आएंगे तो आप इसके संग एक आध और के भी क्वेश्चन पूछेंगे कि भैया इंडिया में लैंड को यूज़ करने का पैटर्न क्या है, और फॉरेस्ट में फॉरेस्ट के लैंड को 1961 के बाद बढ़ाया क्यों नहीं गया, ठीक है। तो इस पे भी डेटा है बेटा कि जो भी लैंड रिसोर्सेज हैं इंडिया में उनको कई सारे पार्ट में डिवाइड किया, जैसे एग्रीकल्चर लैंड, फॉरेस्ट लैंड, पेस्चर और ग्रेजिंग लैंड एंड वेस्ट लैंड, ठीक है, चार पांच पार्ट में, जिसमें वेस्ट लैंड बेटा रॉकी, एरिड रीजन, डिजर्ट एरिया ये सब आते हैं, ठीक है, जो कि नॉन एग्रीकल्चरल होते हैं, जैसे कि घर, रोड, इंडस्ट्रीज ये सब किए जाते हैं। और रिसेंट डेटा के वजह से माना गया है कि जो भी बेटा इंडिया में लगभग 54% ऑफ जो टोटल एरिया है, ठीक है बेटा, 54% ऑफ टोटल रिपोर्टिंग एरिया है जिसके अंदर हम लोग ये सब की बातें कर रहे हैं, उसमें 22.5% में से 22.5% पे क्या है बेटा, फॉरेस्ट है, ठीक है। 54% के एरिया में जो भी रिसेंट डेटा है उसमें उसमें क्या है बेटा कि 22.5% फॉरेस्ट से कवर है, लगभग 3.45% वो घासें हैं जो ग्रेजिंग के लिए होती हैं, जो चरवाहे आते हैं चरवाने के लिए, और बाकी सब बेटा वेस्ट लैंड है, ठीक है। वेस्ट लैंड का मतलब कि वो किसी कार्य योग्य नहीं है। नेक्स्ट बेटा, इम्प्रॉपर यूज ऑफ फॉरेस्ट लैंड हैज़ टू लेड टू लैंड डिग्रेडेशन, ठीक है। और जो भी मतलब कि इम्प्रॉपर, जैसे कि लोग जानते हैं कि बहुत ग्रीडी हैं, और ग्रीडी होने की वजह से बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेयर का, यानी हम अपने आसपास के फॉरेस्ट का बहुत ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, पेड़ लकड़ियाँ काट रहे हैं, पुष्पा बन रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं तो इसकी वजह से स्मगलिंग में बहुत सारी हो रही है। अब स्मगलिंग होगी, पेड़ों की कटिंग होगी, डिफॉरेस्टेशन होगा, ओवरग्रेजिंग होगी, माइनिंग होगी, ठीक है, ये सब की वजह से बेटा जो फॉरेस्ट है वो क्या होगा, घटेगा। अब फॉरेस्ट घटेगा तो इस वजह से बेटा काम से बस समाप्त। तो दस लैंड अंडर फॉरेस्ट इंक्रीज बाई ओनली अबाउट 4% सिन 1961, ठीक है। तो इस वजह से जो जो जब भी जमीनें थीं जो फॉरेस्ट के अंडर में थी वो लगभग 4% बढ़ाई गई हैं बस 1960 से 61 के बीच में, ठीक है।
जनसंख्या तो बढ़ती जा रही है और रिसोर्सेज फिक्स हैं, तो उनको मेकअप करने के लिए ऐसा किया जाता है बेटा, ठीक है, और फॉरेस्ट के एरिया को बढ़ाया नहीं जा रहा है। नेक्स्ट है, हाउ हैव टेक्निकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेड टू मोर कंजर्वेशन रिसोर्सेज। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है हमारे सोसाइटी में, इकोनॉमिक तौर पे भी, तो हमें नीड्स हमारी का तो पता नहीं, वांट बढ़ते जा रहे हैं। अब उस वांट के चक्कर में जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है उनके उनका मतलब कि हनन हो रहा है बेटा, यानी कि उनका यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है, ओवर कंजम्पशन हो जा रहा है, ठीक है, जिसके वजह से जो भी नेचुरल मतलब रिसोर्सेज हैं वो सबके लिए हैं, पर वो कोई एक डिपार्टमेंट है, कोई एक बंदा है जो कम्प्लीटली उसका यूज कर जा रहा है और बाकी लोगों को नहीं मिल पा रहा है, जिसके वजह से क्या हो रहा है बेटा कि ये इससे क्या हुआ कि रिसोर्सेज तो बहुत ज़्यादा खपत होंगे और रिटर्न में इसका परिणाम कौन झेलेगा, तो परिणाम तो बेटा इसको सबको झेलना पड़ेगा, चाहे जिसने यूज किया है कि नहीं किया है, ठीक है। तो इसलिए टेक्नोलॉजी के टेक्निकल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से जो रिसोर्सेज हैं उनका कंजम्पशन क्या होता है बेटा, बढ़ता जा रहा है, और हमें इस पर ध्यान देना पड़ेगा। अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो हमारी धरती माता का मतलब कि स्वर्गवास हो जाएगा, ठीक है, यानी कोई यहाँ बचेगा नहीं और सेवा समाप्त, कलयुग हो जाए, कलयुग हो जाएगा खत्म। कलयुग तो नहीं खत्म होगा लेकिन मतलब कि मतलब बाढ़ आड़ आएगा, आग का दरिया चलेगा, डूब के जाना रहेगा, ठीक है, ऐसी बहुत सारी बातें होंगी। नेक्स्ट बेटा हमारे सामने यहाँ पे इसी का हिंदी सेक्शन आप देख सकते हो, ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट है, अभी इस वाले चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछता है मैप के लिए वो है सॉयल रिलेटेड, कि कितने टाइप्स के सॉयल होते हैं, तो मैप में हमने फिल करने होते हैं कि कितने टाइप्स के सॉयल उसमें होते हैं, ठीक है। और उपयोग मानव संसाधन में, मानव जैसे ह्यूमन रिसोर्सेज में क्या क्या उपयोग करते हैं हम लोग ह्यूमन्स में रिसोर्स के तौर पर, उसका भी एक चार्ट बनाना होता है, ठीक है। तो बेटा हम लोग का जो अगला चैप्टर आता है वो है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, यानी जंगल और जंगली जो रिसोर्सेज हैं, जंगल वाले रिसोर्सेज हैं उनके बारे में कंप्लीट जानकारी लेनी है हमको कि भाई आखिर इसमें इसमें सीन क्या है, ठीक है। तो स्टार्टिंग करते हैं हम लोग, तो ये सबसे पहले बेटा कि जो भी बायो बायोडाइवर्सिटी है वो एक्सट्रीमली डाइवर्स है, यानी कि हमारे अर्थ पे बहुत ज़्यादा मतलब कि डाइवर्सिफिकेशन है, बहुत बहुत तरह की वैरायटी के जानवर और जंतु हमारे धरती पर रहते हैं इस इकोसिस्टम में, जिसमें इंडिया हैज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट बायोडाइवर्सिटी, और भारत के पास बहुत ज़्यादा मतलब बड़ी बायोडाइवर्सिटी वाली लैंड है, जिसमें लगभग 10% ऑफ द रिकॉर्डेड वाइल्ड फ्लोरा एंड 20% ऑफ इट्स मैमल आर ऑन द थ्रेटन लिस्ट, ठीक है। और मतलब लगभग बेटा जो 10% हैं रिकॉर्डेड किए हैं कि वाइल्ड फ्लोरा, और 20% जो मैमल हैं वो सबके सब मतलब कि दहशत में है, ठीक है। अब है तो बहुत बड़ी वर्ल्ड की लार्जेस्ट बायोडाइवर्सिटी है इंडिया में, लेकिन लेकिन क्या है बेटा कि उसमें से जो प्लांट हैं 10% प्लांट और 20% जो मैमल्स हैं वो मतलब कि डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेटा जनसंख्या के बढ़ने की वजह से वो लोग क्या कर रहे हैं कि जितने भी नेचुरल फॉरेस्ट हैं उनको कट करके अपना घर बना रहे हैं, ठीक है। अब जो भी प्लांट हैं, जो भी एनिमल्स हैं, उनका घर ही वही है, घर उजड़ जा रहा है। अब घर उजड़ जाएगा तो भाई उनके ऊपर खतरा तो आएगा ना शिकार होने का, या शिकारी करेंगे या शिकार हो जाएंगे, जिसके वजह से बेटा हमारा जो इकोसिस्टम है वो गड़बड़ा रहा है, ठीक है। तो अब इससे रिलेटेड क्या बातें स्टार्ट होती हैं, तो एज दिस लिस्ट जनरेटेड बाई इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस, यानी एक संस्था है जिसका नाम है बेटा IUCN, जिसने ये बातें हमें बताई है कि इतना मतलब कि भारत के अंदर 10% फ्लोरा और 20% जो मैमल्स हैं वो मतलब कि रेड जोन में हैं, मतलब वो उनके ऊपर, उनके जीवन के ऊपर खतरा है, उनकी प्रजाति के ऊपर ही खतरा मंडरा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा कि अब जैसे उन्होंने क्लासिफाई क्या करा है, तो नॉर्मल स्पीसीज, इंडेंजर्ड, वल्नरेबल, रेयर, इंडेमिक और एक्सटिंक्ट। तो जो IUCN है ना, वो जो इकोसिस्टम के अंदर जो डाइवर्सिफिकेशन है प्रजातियों की, उसको लगभग 6 भागों में डिवाइड किया है, ठीक है। कैसे किया है तो हम लोग उसको समझते हैं। पहला है नॉर्मल, यानी नॉर्मल का मतलब जिनकी पॉपुलेशन नॉर्मल है, ठीक है बेटा, सर्वाइवल के, तो उनको हम लोग नॉर्मल स्पीसीज बोलते हैं, जैसे पाइन, रोडेंट्स, ये सब नॉर्मल है, ठीक है। इनडेंजर्ड का मतलब
कि दे आर इन द डेंजर ऑफ एक्सटेंशन एंड वुड इवेंचुअली डिक्लाइन इफ द प्रेजेंट कंडीशन कंटिन्यू। तो इनका मतलब बेटा कि वो खतरे में है, उनका जीवन खतरे में है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो धरती से विलुप्त हो जाएंगे। तो इसके एग्जाम्पल बेटा जैसे क्रोकोडाइल है, राइनोसोरस है, लॉयन टेल मकाई है, ठीक है, एक तरह का मतलब कि चिंपाई टाइप का बंदर है, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो हैं मतलब ये इंडेंजर्ड में आते हैं बेटा, ठीक है, यानी इनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है, और अगर इनका शिकार होना बंद नहीं हुआ तो का काम हो जाएगा समाप्त, ठीक है। नेक्स्ट है वल्नरेबल स्पीसीज, तो वो है दीज आर वल्नरेबल टू फॉल इन टू इंडेंजर कैटेगरी इन नियर फ्यूचर, यानी ये जो जानवर हैं ये कुछ दिनों में मतलब इनकी स्थिति अभी ऐसी है कि कुछ दिनों में ये इंडेंजर्ड स्पीसीज बन जाएंगे, यानी कि इनकी भी जनसंख्या घटती जा रही है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल क्या बेटा, एशियाटिक एलिफेंट, डॉल्फिन और ब्लू शिप, यानी ये जो तीन चार एग्जाम्पल हैं, ये तीनों चारों एग्जाम्पल में से जो हैं बेटा वो कुछ दिन में भी वो भी इंडेंजर हो जाएंगे, तो उनको वल्नरेबल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रेयर, रेयर का मतलब उनकी पॉपुलेशन काफ़ी कम है और वो भी वल्नरेबल कैटेगरी में है, फ्यूचर में जाएंगे वल्नरेबल कैटेगरी में और कुछ दिन में इंडेंजर में चले जाएंगे, ठीक है, क्योंकि भैया जैसी कंडीशन है वैसी कंडीशन में उनको रेयर माना जाता है, ठीक है। और ये हर जगह नहीं पाए जाते, एक कंडीशन फिक्स कंडीशन पाए जाते हैं, जैसे एशियाटिक बुफैलो और हॉर्नबिल, ठीक है। तो ये जो एक आध दो एग्जाम्पल ये बेटा रेयर स्पीसीज हैं, ठीक है, और इनके लिए भी इनका भी इनको भी वल्नरेबल स्पीसीज या इनडेंजर्ड स्पीसीज की कैटेगरी में रखा जाता है, ताकि इनकी जीवन को भी, जैसे रेयर तो हैं, ठीक है, लेकिन पॉचिंग करते हुए मारते मारते जो इंसान को मार मार के उनका जीवन क्या करते हुए तहस नहस कर देते हैं। नेक्स्ट है इंडेमिक स्पीसीज, तो इंडेमिक कहने का मतलब दीज स्पीसीज ओनली फाउंड इन लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया, यानी बहुत ही कम ज्योग्राफिकल एरिया में पाए जाते हैं, जैसे अंडमान टील, निकोबार पिजन, अंडमान वाइल्ड पिग, ठीक है, ये सब जो हैं बेटा वो एक फिक्स जगह में, जैसे अंडमान में जो टील पाया जाता है, निकोबार में पिजन पाया जाता है, अंडमान में एक वाइल्ड पिग पाया जाता है, मिथुन पाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में, ये ऐसे जानवर हैं जो बेटा जो एक फिक्स ज्योग्राफिकल रीजन में हैं, उनको हम इंडेमिक स्पीसीज बोलते हैं, ठीक है। एक्सटिंक्ट का मतलब दीज स्पीसीज, ठीक है बेटा, एक्सटिंक्ट का मतलब है तो बच्चा हम लोग बात करेंगे एक्सटिंक्ट स्पीसीज की बात करेंगे, यानी एक्सटिंक्ट स्पीसीज वो स्पीसीज होते हैं जो कि पूरी तरह से विलुप्त हो चुके हैं हमारे धरती से, ठीक है। जैसे कि एशियाटिक चीता है, पिंक हेड डक है, डायनासोर्स हैं, मैमथ हैं, ये सब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, तो इसलिए इनको एक्सटिंक्ट स्पीसीज में रखा गया है। नेक्स्ट बेटा कि कॉज ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, यानी कि इन्वायरमेंटली डिग्रेडेशन, यानी कि जो हम जो अपने आसपास के वातावरण को जो हम डिग्रेड कर रहे हैं, ठीक है, मतलब ये जो पूरा इकोसिस्टम जो डिग्रेड हो रहा है, इसके लिए कारण क्या है, व्हाट इज़ द कारण बिहाइंड दैट डिग्रेडेशन। तो हुआ ही हूँ बेटा, इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है, क्या है कि लगभग 1951 से 1980 के बीच, ठीक है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने जो कि पूरे फॉरेस्ट का जानकारी रखता है, लगभग बताया कि लगभग 26,200 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट एज कन्वर्टेड, यानी कि पूरे एरिया का लगभग 26,200 स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया था उसको फॉरेस्ट से एग्रीकल्चर लैंड में क्या कर दिया गया, ट्रांसफर कर दिया गया, यानी शिफ्ट कर दिया गया, जिसकी वजह से जिसके लिए हमने क्या करा कि वहाँ पे झूम कल्टीवेशन किया, स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन किया, यानी कि पेड़ों को जला के फिर वहाँ पे खेती करने की कोशिश करी, ठीक है। और ये फॉरेस्ट में लैंड में बहुत सारे रिवर वैली प्रोजेक्ट भी थे 1951 के बाद, ठीक है, जैसे कि हमने फॉरेस्ट बहुत सारे निजी कारण भी कह सकते हैं, पब्लिक कारण भी कह सकते हैं, जैसे कि बेटा जब 40,000 हेक्टेयर जो फॉरेस्ट था उसको क्लियर किया गया नर्मदा सागर प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है, नर्मदा सागर प्रोजेक्ट है जो कि डैम प्रोजेक्ट है जो कि नर्मदा रिवर बना था मध्य प्रदेश में, इसके लिए 40,000 हेक्टेयर लैंड को, फॉरेस्ट को क्या किया गया, हटाया गया। तो ये भी एक कारण है और सबसे महत्वपूर्ण कारण है हमारे इन्वायरमेंटल के डिग्रेडेशन होने का, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम लोग, इसी का हिंदी कन्वर्जन है यहाँ पे, आप देख सकते हो। नेक्स्ट है नेचुरल रिसोर्सेज के लिए बेटा कुछ यहाँ पे कीवर्ड्स हैं इस लेशंस के,
इसमें पहला आता है नेचुरल रिसोर्सेज, यानी वो रिसोर्सेज जो हमें प्रकृति द्वारा मिले उसको नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। इकोलॉजी, इकोलॉजी यानी बेटा जिस मतलब साइंस का वो पार्ट जिसमें हम बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के इंटर रिलेशंस की डीलिंग करते हैं उसको हम इकोलॉजी बोलते हैं। इनडेंजर स्पीसीज, जो स्पीसीज पूरी तरह से समाप्त हो चुके हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक ऐसा एक गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है जिसमें जिसके तहत हम बहुत सारे जानवर जो कि इंडेंजर्ड हैं उनको हम बचाने का एक अभियान चलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बेटा बायोस्फेयर, तो बायोस्फेयर भी एक ऐसा पार्ट है, मतलब एक ऐसा ही गवर्नमेंटल या नॉन गवर्नमेंटल पार्ट कह सकते हैं, जैसे कि जो भी जैसे फॉरेस्ट का एक ऐसा पार्ट जहाँ पे बहुत ही डेंस हो, ठीक है, अंदर किसी का जाना ना मना ही हो, तो उस पूरे पार्ट को हम बायोस्फेयर घोषित कर देते हैं, जिसके वजह से अंदर किसी की मतलब कि इंटरफेरेंस ना हो, यानी कि कोई अंदर ना जा सके। जैसे कि बायोस्फेयर ऐसा होता है ना बेटा कि वहाँ पे आप घूमने नहीं जा सकते, अलाउ नहीं है घूमना, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आप जाओगे तो जानवर माल का खतरा रहेगा। बाहर से प्रोटेक्शन होती है पर अंदर कोई टूरिस्ट के लिए नहीं होता है। जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बर्ड सेंचुरी, नेशनल पार्क, ये सब क्या होते हैं, ये सब ऐसे एरिया हैं जहाँ पे क्या हो सकते हैं, यहाँ पे लोग टूरिस्ट ट्रैवलर्स जाके वहाँ पे ट्रैवल करके और मतलब कि वहाँ पे फन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बायोस्फीयर में, बायोस्फीयर फुल तरह नेचुरल होता है, नो ह्यूमन इंटरेक्शन। नेक्स्ट बेटा सॉयल, तो सॉयल में द अपर लेयर ऑफ द ग्राउंड कंटेनिंग वेदर रॉक्स एंड ह्यूमस, जो अपर पार्ट है उसको टॉप सॉयल बोलते हैं। टॉप सॉयल हमारी खेती के लिए बहुत आवश्यक है, अगर वो नहीं होगा तो मतलब धरती पे एग्जिस्टेंस क्या हो जाए बेटा, समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका बेटा कॉनिफेरस, तो कॉनिफेरस फॉरेस्ट एक ऐसा फॉरेस्ट है, एवरी ग्रीन ट्रीज दैट बियर नीडल लाइक लीव्स, यानी एक ऐसा फॉरेस्ट जिसमें सुईदार कांटेदार जो पत्तियां होती हैं, ठीक है, तो वो फॉरेस्ट जहाँ होते हैं उसको कॉनिफेरस फॉरेस्ट कहते हैं। और एक होता है बेटा डिसीडियस फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट हर साल अपनी पत्तियों को लीव कर देता है, छोड़ देता है, उसको डिसीडियस फॉरेस्ट में काउंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा एक और फॉरेस्ट होता है जिसका नाम है आपका एवरग्रीन। एवरग्रीन फॉरेस्ट ऐसा फॉरेस्ट बेटा जो कभी भी अपनी पूरी पत्तियां नहीं दान करता है, वो हमेशा एवरग्रीन होता है, एकदम हरा हरा सालों साल रहता है। नेक्स्ट है इकोसिस्टम, तो एन इंटीग्रेटेड कंसिस्टिंग ऑफ क्वालिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड फिजिकल एनवायरनमेंट, यानी इकोसिस्टम बेटा कह सकते हो कि एक सिस्टम है, एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके तहत बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म एक जगह पे इकट्ठे होकर रहते हैं, उसको कहते हैं हम लोग इको सिस्टम कहते हैं। और फ्लोरा मतलब बेटा होता है प्लांट, और फना मतलब होता है एनिमल्स, ओके। तो वैसे करके बेटा कुछ क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर से, जैसे नेम एनी फोर नॉर्मल स्पीसीज, तो कैटल है, साल है, पाइन है, रोडेंट है, ये सब नॉर्मल स्पीसीज में आते हैं। नेम एनी फोर इनडेंजर्ड स्पीसीज, तो ब्लैक बक है, क्रोकोडाइल है, इंडियन एस है, इंडियन राइनो है, ठीक है। उसके बाद है नेम एनी फोर वल्नरेबल स्पीसीज, ब्लू शेप, एशियाटिक एलिफेंट, गैंगेटिक डॉल्फिन। उसके बाद नेम एनी फोर रेयर स्पीसीज, तो हिमालयन ब्राउन बियर, वाइल्ड एशियाटिक बुफैलो, डिजर्ट फॉक्स एंड हॉर्नबिल, ठीक है। उसके बेटा आपके सामने है नेम एनी फोर इंडेमिक स्पीसीज, तो अंडमान टील, निकोबार पिजन, अंडमान वाइल्ड पी, मिथुन अरुणाचल प्रदेश। और नेम एनी फोर एक्सटिंक्ट स्पीसीज, तो एशियाटिक चीता है, पिंक हेड है, डक है, डायनासोर है, ये सब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। व्हेन एंड इन विच स्टेट वॉज द प्रोग्राम ऑफ जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट फर्स्ट अडॉप्टेड, तो कौन से राज्य में ऐसा हुआ था जॉइंट फॉरेस्ट फर्स्ट बार अडॉप्ट किया गया, तो वो था बेटा 1988 में उड़ीसा में ये प्रोग्राम सबसे पहले मतलब कि स्टार्ट किया गया था, अडॉप्ट किया गया था सबसे पहली बार। विच स्पीसीज ऑफ इंडियाज फ्लोरा एंड फना आर ऑन द वे वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, यानी कि भारत के अंदर कौन से ऐसे जीव जंतु हैं और पौधे हैं जो कि अपने आखिरी चरम के कगार पे हैं और वो कभी भी खत्म हो सकते हैं। तो जैसे जानवरों में चीता है, पिंक हेडेड डक है, माउंटेन क्विल है, और फॉरेस्ट स्पॉटेड आउल हैं, मतलब जो भी फॉरेस्ट में आउल मिलते हैं वो वाले, एट्सेट्रा। एंड जो प्लांट हैं वो है महुआ, जिसका आप नाम जिसका महुआ का बनाते हैं बेटा, वो मधुका इनसाइग्निस इसका नाम है, महुआ जिससे वो क्या कहते हैं बेटा देसी देसी शराब बनते हैं वो महुआ, ठीक है। ए वाइल्ड स्पीसीज ऑफ ग्रास, तो ग्रास तो जैसे कि जंगली टाइप के ग्रास जो कि बहुत ही स्पेसिफिक पार्ट में मिलते हैं वो भी खत्म होने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट है विच स्टेट है लार्जेस्ट आर अंडर परमानेंट फॉरेस्ट, यानी कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट पार्ट है, तो वो है बेटा मध्य प्रदेश, MP। और वॉट इज द शेयर ऑफ इंडियन टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज इन वर्ल्ड, यानी कि पूरे विश्व में भारत के अंदर जो भी प्रजातियां पाई जाती हैं वो कितनी परसेंट है, तो वो लगभग 8% है, ठीक है, 8%। नेक्स्ट बेटा हम लोग बात करेंगे राइट थ्री मेजर रीजन फॉर डिप्लेशन ऑफ फॉरेस्ट कवर, तो
तो क्या क्या मेन कारण है, जैसे कि फॉरेस्ट खत्म हो रहे हैं, तो पहला है डिफॉरेस्टेशन, दूसरा है शिफ्टिंग कल्चर कल्टीवेशन, और दूसरा है लार्ज स्केल रिवर वैली प्रोजेक्ट, यानी कि जो गवर्नमेंटल वर्क होते हैं जैसे डैम सम्स के लिए, रोड्स के लिए, इस चीज़ों के लिए, ये डिफॉरेस्टेशन के लिए जिम्मेदार हैं। ठीक है, और भी बेटा जैसे माइनिंग हो गया, पॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट है राइट थ्री एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ डोलोमाइट माइनिंग इन द बक्सर टाइगर रिजर्व ऑन द इकोसिस्टम, यानी बक्सर में जो टाइगर रिजर्व है बेटा, वहाँ पर डोलोमाइट की माइनिंग हो रही है, उससे इकोसिस्टम में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो डोलोमाइट माइनिंग बक्सर टाइगर रिजर्व, इट हैज़ कॉज इकोलॉजिकल डैमेज, इको तो इकोलॉजिकल डैमेज करेगा। दूसरा, ब्लॉक द माइग्रेशन रूट ऑफ सेवरल स्पीसीज, बहुत सारे स्पीसीज का माइग्रेशन खत्म हो जाएगा वहाँ पे जो वहाँ पे रहते होंगे। और इट हैज़ डिस्टर्ब द नेचुरल हैबिटेट ऑफ मेनी स्पीसीज, तो जो लोग जो भी एनिमल्स अपने परफेक्ट स्पीसीज पे वहाँ पे मौजूद हैं, उनके भी ऊपर खतरा मंडरा रहा है। ठीक है, लास्ट सिक्स फैक्टर विच हैव लेड टू द डिक्लाइन ऑफ इंडियन बायोडाइवर्सिटी, यानी कुछ ऐसे छह फैक्टर, सॉरी लिस्ट सिक्स फैक्टर जिसके वजह से इंडियन बायोडाइवर्सिटी डिक्लाइन हो सकती है, वो है हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन होना, ओवर एक्सप्लोटेशन होना, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, फॉरेस्ट फायर, हंटिंग पोचिंग और पॉइजनिंग। तो ये छह कारण है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखना। एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछेगा लॉन्ग में, तो इस छह पॉइंट मेंशन करके इनके बारे में दो दो लाइन अगर चेप दोगे तो झकास हो जाएगा, आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, उसका बेटा है हमारा हाउ फॉरेस्ट आर यूजफुल टू एंथ, ये भी कोई सवाल है, फॉरेस्ट कैसे माइंड के लिए यूजफुल है। तो सब सब जानते हैं कि भैया फॉरेस्ट से सब कुछ मिलता है, यानी लकड़ी से लेके तलवार, तलवार तो मेटल का हो जाएगा, लकड़ी, कुर्सी, मेज, फूड, फ्रूट, रबर, और ये सब चीज़ें, मतलब जो भी चीज़ मिलने वाली है सब कुछ, सब कहाँ से मिलता है बेटा। उसका 90% पार्ट, हमारा 90 to 95% पार्ट कहाँ से मिलता है हमको, हमको फॉरेस्ट से मिलता है, जो भी हम अपना दिन प्रतिदिन में डेली में उपयोगिता करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बेटा, आप इसको 5 पॉइंट के फॉर्म में लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट, एक्सप्लेन हाउ ह्यूमन एक्टिविटीज हैव इफेक्टेड रेगुलेशन ऑफ फ्लोरा, यानी कि प्लांट के लिए कैसे ये ह्यूमन एक्टिविटी है वो अफेक्ट कर रहा है। तो मैटर ये है कि जो एनिमल्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह से चल के जा सकते हैं, लेकिन प्लांट अपना जगह नहीं चेंज कर सकते। तो जो भी ह्यूमन की एक्टिविटीज हैं, जैसे कि नए नए कंस्ट्रक्शन करना हाउसेस के लिए, या एग्रीकल्चर के लिए आपको जैसे कि जंगल जला 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 देना, झूम कल्टिवेशन करना, ठीक है, और उसके बाद रेलवे रेलवे लाइन के लिए जगह बिछाना, उसके बाद शिप बिल्डिंग कार्य, उसके बाद बेटा रिमूवल, और हाँ, और क्या कहते हैं कि हाँ, ये सारे के सारे ऐसे 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 जो वर्क हैं जो कि ह्यूमन द्वारा किए जाते हैं। और हाँ, देखा हो बेटा, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, यानी कि जो हम पोल्यूशन करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से फ्लोरा क्या हो रहा है, धीरे धीरे आयु कम हो रही है, और धीरे धीरे इसका जो स्पीसीज है वो घटते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ मेन कारण हैं इनके। उसके बेटा है मेक अ चार्ट ऑन वेरियस नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया, मेक अ चार्ट ऑन कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया। तो कुछ दो चार्ट हैं आपको बनाने हैं, सब्जेक्ट इनरिचमेंट एक्टिविटी है जिसको हमको ग्राफ पे दिखाना होता है। ठीक है बेटा, उसके तो बेटा हम लोग बात करेंगे अगला चैप्टर जिसका नाम है वाटर रिसोर्सेज। अब इसमें क्या बेटा कि लिस्ट ऑफ द जो लेशन है कि वाटर स्केसिटी एंड नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट। ठीक है बेटा, ये जो हैं ये चार लिस्ट हैं, चार ये पॉइंट हैं जो कि हम लोग वाटर रिसोर्स में जाने वाले हैं। एक है वाटर स्केसिटी, दूसरा है कंजर्वेशन मैनेजमेंट, तीसरा है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, और चौथा है वाटर सिस्टम। ठीक है, जिसमें बेटा सबसे पहला केस आता है कीवर्ड्स में डैम्स। ठीक है, उससे पहले हम लोग इन कीवर्ड्स से पहले बेटा इनको जान लेते हैं, वाटर स्केसिटी नीड फॉर वाटर कनेक्ट मतलब क्या है। तो वाटर रिसोर्स बेटा की पता है कि हमारे पूरे अर्थ पे लगभग लगभग 97% वाटर है और 3% लैंड है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। और बेटा वो जो लैंड है और जो वाटर है, मतलब कि वाटर बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, फिर भी वाटर की स्केसिटी बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि उस 97% बेटा लगभग बहुत कम ऐसे, मतलब लगभग सबसे ज़्यादा जो 97% सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है पानी का, वो है सलाइन वाटर। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं ओशन वाटर। ठीक है, और बेटा ओशन वाटर का कोई उपयोग है नहीं, जैसे कि लोग जनरली पी नहीं सकते पीने के लिए जो बेटा, तो उसको फ्रेश वाटर कहते हैं जो हमारे धरती से नीचे से निकलता है, जिसकी कमी होती जा रही है। ठीक है, तो वो वाटर की हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं वाटर रिसोर्स तौर पर, कि वाटर स्कैसिटी एंड नीड फॉर वाटर, कि वाटर की धीरे धीरे कमी हो रही है, क्योंकि जो ग्राउंड वाटर का टेबल है, ग्राउंड टेबल, वाटर टेबल जिसको कहते हैं, वो धीरे धीरे उसके अंदर बेटा कमी आती जा रही है ड्यू टू चेंज इन एटमोस्फेरिक कंडीशंस, क्लाइमेटिक कंडीशंस, ये सारी चीज़ों की वजह से। ठीक है,
अब नेक्स्ट सब्जेक्ट कंजर्वेशन मैनेजमेंट। तो कंजर्वेशन और मैनेजमेंट, यानी कंजर्वेशन तो करना ही भाई, कि पानी का जैसे कि फालतू यूज ना हो, यानी कि पानी वेस्ट ना हो, उसके ध्यान देना है। और मैनेजमेंट यानी कैसे उसको मैनेज करें कि पानी वेस्ट ना हो और जिसको जरूरत हो उसके पास पहुंचे हो, ठीक है। तो उसके लिए बेटा नेक्स्ट टाइम मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट। तो बहुत सारे रिवर प्रोजेक्ट जैसे नदियों के ऊपर डैम बनाए जाते हैं, ठीक है। वो डैम बनाते क्यों हैं, तो उसकी भी मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है बेटा। एक डैम से बिजली बन जाती है, दूसरा वो पानी को अलग अलग नहरों के द्वारा इरिगेशन पर्पज़ के लिए हम अलग अलग जगह पे भेज सकते हैं बैरेज के रास्ते से, ठीक है। नेक्स्ट बेटा इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। तो इसका मतलब है कि जो भी जैसे कि वो जैसे जो भी नगर पालिका होते हैं, म्यूनसिपैलिटीज, कॉरपोरेशन होते हैं, वो सब पानी टंकी लगाते हैं और लोगों को पानी घर घर पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो वो इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट के अंदर बेटा वो आ जाता है, ठीक है। अब इसमें कीवर्ड में चर्चा कर रहे हैं, तो पहला है डैम्स। अब डैम्स क्या है, तो डैम्स एक ऐसा मतलब कि बेटा मैनमेड कंस्ट्रक्शन है जिसका उपयोग हम करते हैं रिवर के ऊपर। रिवर के ऊपर हम इसका उपयोग करते हैं। इससे होता क्या है कि इससे हम पानी की जो कमी है, ठीक है, पानी की कमी को हम पूरा कर सकते हैं। जैसे कि मान चलो बेटा कि कोई नदियाँ ऐसी हैं जो कि बहुत ही सीजनी नदियाँ हैं, ठीक है। जब तक तो बारिश तब तक वो नदी रहेगी, तो भी क्या है कि बारिश जब खत्म हो जाएगा तो पानी वहाँ पे समाप्त हो जाएगा, तो पानी का कुछ होगा कैसे भाई, इरीगेशन कैसे होगा वहाँ पे, खेती कैसे होगी। उसके लिए क्या हुआ कि वहाँ पे जब तक पानी रहेगा तब तक वो डैम के अंदर पानी स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और फिर 1-2 महीना, 4 महीना जैसे जरूरत पड़ेगी उस डैम में से पानी की, वैसे वैसे लोगों को उनके खेती के लिए वाटर सप्लाई हो जाएगी, ठीक है। जिससे वाटर स्केसिटी क्या हो जाए बेटा, दूर हो जाएगी, ठीक है। तो ये था बेटा डैम्स के लिए उपयोग है, उपयोग भी है, और जैसे कि उसकी कुछ मेरिट्स भी हैं और डिमेरिट्स भी हैं, ठीक है। तो हम मेरिट्स की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट है बेटा रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात करें तो ऐसा जैसे कलेक्शन ऑफ स्टोरेज ऑफ रेन वाटर, जब भी पानी की स्टोरेज कर लेते हैं और जब पानी नहीं मिलता है तो हम उसका उपयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 पॉइंट हैं, डैम्स, वाटर स्केसिटी और रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा कि वॉट इज वाटर स्केसिटी एंड वॉट आर इट्स मेन कॉजेज, यानी कि पानी कमी का कारण क्या है। तो पानी कमी का मेन कारण है बेटा ग्रोइंग पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन में बहुत ज़बरदस्त वृद्धि हो रही है। ओवर एक्सप्लोटेशन, यानी बहुत ज़्यादा हम लोग मतलब जैसे कि नल ऐसे खुला हुआ छोड़ देते, एक ऐड आता है टीवी पे, हमने देखा होगा कि उसमें ऐड में दिखाता है कि एक टैप होता है जो गांव में एक तरफ खुला होता है, वहां से पानी गिर रहा होता है जैसे झरना टाइप का होता है, ठीक है। अब वहां पे वो गवर्नमेंट ऐड में ये दिखाना चाहती है कि जो अभी शहर वाले का नहाना भी नहीं हुआ और गांव वालों ने पूरी ने उसमें दिखाता है बेटा ऐड में कि सारे गांव वाले पानी पी देते हैं और तब तक अभी शहर वालों का नहाना भी नहीं हुआ रहता है। तो ये दिखाने की कोशिश करता है कि बेटा वाटर की कमी बहुत ज़्यादा है और ओवर एक्सप्लोटेशन हो रहा है, ठीक है। जहाँ पानी मिल रहा है उसका उपयोग बहुत सही से नहीं हो पा रहा है, इस वजह से भी एक वाटर स्केसिटी कारण बनता है। और नेक्स्ट बेटा अन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, यानी पानी का बहुत सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन ना हो पा लोगों में, ये भी एक मेन कारण कह सकते हैं कि पानी की कमी हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बेटा इन रिसेंट ईयर मल्टीपल प्रोजेक्ट लार्ज डैम्स हैज कम अंडर ग्रेट स्क्रूटनी एंड अपोजिशन फॉर वेराइटी ऑफ रीजन, एक्सप्लेन वाई। यानी कि कुछ अभी से हाल के समय में अगर चर्चा करें तो बहुत सारे मल्टीपल प्रोजेक्ट और लार्ज डैम्स बनाए गए हैं जिसकी वजह से बहुत सारी समस्याओं का अभी सामना करना पड़ रहा है और बहुत सारे उसके प्रॉफिट्स भी हैं, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग बारी बारी से। रेगुलेटिंग डैमिंग ऑफ रिवर इफेक्ट फ्लो थ्रू कॉजिंग पोअर सेडिमेंट फ्लो, यानी कि अगर हम डैम बनाते हैं तो उसके जैसे इफेक्ट क्या पड़ते हैं, क्या कारण है भाई। तो जब हम डैम बनाते हैं तो जो भी रिवर के संग जो सिल्ट बह के आता है, जो भी सेडिमेंट्स आते हैं, वो डैम की वजह से उनकी स्पीड कम हो जाती है और सेडिमेंट वहीं पर रुक जाते हैं। तो इससे अलूवियल कंडीशन नहीं बन पाता है, और जब तक सॉइल अलूवियल नहीं होगा तब तक वो ग्रोथ नहीं होगा वहाँ पे, फर्टाइल नहीं होगा, फर्टाइल नहीं होगा तो वहाँ पे अच्छी खेती नहीं हो सकती है। तो डैम का एक ये भी कारण है। डैम्स आर फ्रेगमेंटेड रिवर मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर एक्वाफौना टू माइग्रेट। और जो डैम्स होते हैं बेटा उसमें जो जितने भी क्या कहते हैं एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक जानवर होते हैं, फ्लोरा फना जितने भी होते हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत दिक्कत होती है। कई 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 बार तो उनका मतलब कि विनाश हो जाता है वहाँ पे डैम्स के चक्कर में। नेक्स्ट बेटा द रिजर्वायर दैट क्रिएटेड ऑन फूड प्लांट ऑल्सो मच द एग्जिस्टिंग वेजिटेशन सॉइल लीडिंग टू डिकम्बशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और बेटा इसमें सीन है कि जो भी जैसे कि डैम का अगर आपने बना रहे हो, ठीक है, डैम बन गया तो जहाँ भी डैम बनता है वहाँ के लगभग बहुत सारे इलाकों को खाली करा दिया जाता है, ताकि हुआ यूँ कि मान चलो कि डैम के वजह से अगर वहाँ की जो मिट्टी वो खसक गई, मतलब कि सरक गई, तो डैम सही धस सकता है और वहाँ पे लोगों को नुकसान हो सकता है। प्लस
वहाँ उसकी वजह से बेटा जो जहाँ पे जो जैसे कि जो खेती वेती होती है वो भी डैम के आसपास बहुत नज़दीक में डैम की खेती नहीं हो पाती है, तो वो भी मतलब कि पानी की वेस्टिंग है, ठीक है। और बाय द वे अगर डैम क्रैक हो गया, टूट गया, तो फिर जो बाढ़ आएगी उससे कोई बचाने वाला नहीं है हमें। ओके, तो ये था मैटर बेटा कि क्या मैटर है लार्ज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के लिए। नेक्स्ट है बेटा, हम लोग बात करते हैं ये बेटा हमारे सामने, डिस्क्राइब हाउ मॉडर्न एडेप्टेशन ऑफ ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग मेथड आर बीइंग कैरीड आउट टू कंजर्व वाटर एंड स्टोर, यानी क्या क्या मॉडर्न तरीके हैं जिससे कि हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर रहे हैं और ग्राउंड वाटर को रिचार्ज भी कर रहे हैं साथ साथ। तो क्या है बेटा, पहला है पर्कुलेशन पॉन्ड्स, यानी एक ऐसे पॉन्ड बनाने की कोशिश करते हैं जिसमें पानी डालो तो पानी जमीन के नीचे सूख जाती है, ठीक है। रिफिलिंग ऑफ डग वेल्स, यानी ऐसे कुएं जो कि अभी उनके अंदर पानी की मात्रा काफ़ी कम है उनके अंदर फिर से पानी डालते हैं हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग मदद से। नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ रेन वाटर स्टोरिंग टैंक, यानी नेक्स्ट बेटा टैंक बना के जब हम उसका उपयोग करते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट बेटा जब हम रूफ टॉप पे, जैसे रूफ टॉप पे एक पाइपलाइन के द्वारा एक ऐसा सिस्टम बनाने की कोशिश करते हैं जिससे कि जो भी पानी रूफ टॉप पे आए वो सारा का सारा एक जगह टंकी में टैंक में जाके क्या हो जाए बेटा, स्टोर हो जाए, ठीक है। तो ये कंडीशन है। नेक्स्ट है जो रूरल और अर्बन एरिया होता है बेटा, वहाँ पे रूफ टॉप का जो पानी होता है उसको सक्सेसफुली स्टोर किया जाता है ताकि उसका उपयोग किया जा सकते हैं। और जहाँ पे पानी को उपयोगिता जहाँ पे पानी उपलब्ध नहीं हो पाता है वहाँ पे रेन वाटर का प्रयोग करते हैं, पानी को फिल्टर करके फिर पीने के भी काम आता है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा एक जगह है गेंधातूर, जो कि कर्नाटका में एक विलेज, नियरली 200 हाउस होल्ड इंस्टॉल दिस सिस्टम, और लगभग 200 जितने भी घर वाले उन्होंने इंस्टॉल किया है। फ्रॉम 20 हाउस द नेट अमाउंट ऑफ रेन वाटर हार्वेस्ट अमाउंट टू 1 लाख लीटर आने वाली, और केवल 20 घरों से जो मतलब रेन वाटर निकलता है बेटा एक साल में वो 1 लाख लीटर है, जो कि बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो सोचो 200 घरों से कितना निकलता होगा, 2 0 और बढ़ा दो, ठीक है। तो नेक्स्ट बेटा आपका हो जाएगा, इन मेघालय बम्बू ड्रिप इज प्रैक्टिस टू ट्रांसफोर स्टेम एंड स्प्रिंग वाटर बाई यूजिंग बम्बू पाइप्स। तो जो मेघालय एक जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी होता है, तो वहाँ पे भी रेन वाटर को हम लोग बम्बू ड्रिप के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। वहाँ पे भी प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट है हाउ डू डैम्स हेल्प इन कंजर्विंग मैनेजिंग वाटर, तो डैम्स कैसे हेल्प करते हैं कंजर्विंग और मैनेजिंग वाटर के लिए। पहला है इलेक्ट्रिक जनरेशन करते हैं, दूसरा है वाटर सप्लाई है डोमेस्टिक में, तीसरा है फ्लड कंट्रोल है, चौथा है रिक्रिएशन है, पांचवा है इनलैंड नेविगेशन और फिश ब्रीडिंग है। इन ये सब चीज़ें तो होती रहती हैं, ठीक है। लेकिन हर डैम्स के केवल अच्छे पॉइंट्स नहीं है, बुरे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर हम लोगों ने चर्चा करी है और बहुत ही चिंताजनक बातें हैं, ठीक है। इस पर ध्यान देना योग्य है हम लोग की गवर्नमेंट को। नेक्स्ट है सतलुज ब्यास रिवर पे बेसिन पे जो डैम है बेटा उसका नाम है भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट, जिस जो कि हाइडल पावर प्रोडक्शन में और इरिगेशन दोनों में काम आता है। वैसे ही हीराकुंड जो प्रोजेक्ट है बेटा वो महानदी बेसिन के ऊपर है, जो कि हीराकुंड है बेटा वो इंटीग्रेट करता है आपका कंजर्वेशन ऑफ वाटर एंड फ्लड कंट्रोल, यानी एक हो गया बेटा भाखड़ा नंगल और एक हो गया आपका हीराकुंड। तो ये दोनों डैम है, दोनों डैम को इम्पोर्टेंट दिमाग में रखेंगे, ठीक है, पूछा जा सकता है एग्जाम्स में। नेक्स्ट है सोर्स बेस्ड क्वेश्चन बेटा, तो जैसे कि हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर इन एंशियंट इंडिया, कोई नहीं बहुत ज़्यादा इस पर टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। अब बेटा नेक्स्ट है कि रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज मोस्ट कॉमन प्लेस प्रैक्टिस इन शिलोंग मेघालय, तो ये दो जगहों में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होती है रेन वाटर रूफ वाटर रिफ रूफ टॉप रेन वाटर की। क्यों? क्योंकि शिलोंग और मेघालय में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है। क्योंकि चेरापूंजी और मौसी नाम दो जगह हैं, लगभग दोनों के बीच 55 किलोमीटर डिस्टेंस है शिलोंग में, और हाइएस्ट रेनफॉल होता है बेटा वहाँ पर, ठीक है, बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है। और यहाँ पे जो रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता है, सोचो उतना रेनफॉल होने के बाद भी वहाँ पे रेन वाटर की हार्वेस्टिंग करते हैं, सोचो। और हम लोग बारिश के मजे लेते हैं और फिर कहते हैं कि पानी की कमी हो रही है, ठीक है, हमने ये सब चीज़ सोचती नहीं है, जबकि हमें भी ये चीज़ सोचना चाहिए कि कैसे हम रेन वाटर की हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बेटा हमारे सामने है नेक्स्ट बेटा एग्रीकल्चर आता है, ठीक
ठीक है। तो एग्रीकल्चर में क्या है कि जो वर्ड ओरिजिन एग्रीकल्चर मीन्स लैटिन में एग्री मीन्स सॉयल एंड कल्चर मीन्स कल्टिवेशन। तो जो भी हम फार्मिंग करते हैं सॉयल पे उगाते हैं उसको हम एग्रीकल्चर कहते हैं, सॉयल कल्टिवेशन। और बेटा एग्रीकल्चर इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑफ सॉयल, रेजिंग क्रॉप्स एंड रेजिंग लाइव स्टॉक इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड फार्मिंग। एंड ये भी हमने बोला खेती करना, खेती भी कहते हैं एग्रीकल्चर को। और इसमें हम विज्ञान का भी प्रयोग करते हैं और कुछ एक्सपीरियंस का भी प्रयोग करते हैं, चीज़ों को समझते हैं, प्राकृतिक चीज़ों को समझते हैं, और इसके मिलन से ही हम समझते हैं कि कैसे खेती हो सकती है बेटा, ठीक है। और इस बारे में किसान के पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है, क्योंकि जैसे कि अक्सर इंडिया में जो किसान होते हैं बेटा वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा दिक्कत है। जबकि अगर हमारे किसान पढ़े लिखे होते हैं, जानकार जानकार किसान होते तो उनकी लागत भी कम आती और प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होती, ठीक है। लेकिन पहले से बहुत ज़्यादा परिवर्तन है बेटा, अब धीरे धीरे इस 4G ज़माने में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो रहा है, किसान भी धीरे धीरे इंटेलिजेंट हो रहे हैं और इसका असर हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा टाइप ऑफ फार्मिंग, तो दो तरह की फार्मिंग होती है, एक होती है प्रिमिटिव फार्मिंग, एक होती है इंटेंसिव फार्मिंग, ठीक है। नेक्स्ट बेटा कॉमर्शियल फार्मिंग, तो कॉमर्शियल फार्मिंग में कॉमर्शियल फार्मिंग और प्लांटेशन दो तरह की कॉमर्शियल फार्मिंग होती है, ठीक है। और उसके बाद बेटा ये जो प्रिमिटिव का मतलब होता है बेटा, ये जो होती है जो पुराने पुराने तरह की जो फार्मिंग है, यानी प्रिमिटिव का मतलब होता है पहले के टाइम की, जो रूढ़िवादी परंपरा से जो फार्मिंग होती है उसको प्रिमिटिव फार्मिंग कहते हैं, ठीक है। और जो इंटेंसिव का मतलब जो इस समय यंग तरीके से फार्म, उसको बोलते हैं इंटेंसिव फार्मिंग। नेक्स्ट है बेटा इंडिया इज थ्री क्रॉपिंग सीजन, तो इंडिया में जो होते हैं तीन तीन तरह, मतलब कि तीन जैसे फसल की तीन फसल के मौसम होते हैं, ठीक है। मतलब तीन फसल मौसम के होते हैं और अलग अलग मौसम में कौन कौन से जो फसल उगते हैं वो वाले फसल के बारे में हम यहाँ पे जानते हैं। तो टोटल तीन मौसम है, एक है रबी, एक है खरीफ और एक है जैद। ये तीन तरह के मौसम में अलग अलग डेट है कि कितने समय से कितने समय के बीच में होता है, और अलग अलग यहाँ पे भिन्न भिन्न तरह के जो होते हैं बेटा सब्जियाँ होती हैं, फल होते हैं, ये सब फ्रूट्स होते हैं और अनाज होते हैं, ये सब की खेती होती है। जैसे सबसे पहले बेटा रबी, रबी क्रॉप्स को हम बोते हैं क्या, तो रबी क्रॉप्स को बेटा हम अक्टूबर में बोते हैं, ठीक है। अक्टूबर में फार्मिंग कर देते हैं और दिसंबर में, दिसंबर तक ही होता है, और फिर हम इसको अप्रैल टू जून, यानी बेटा अक्टूबर से दिसंबर, यानी अक्टूबर नवंबर दिसंबर इन तीनों महीने में से किसी महीने में हम बो सकते हैं, ठीक है। और उसकी कटिंग करते हैं अप्रैल जून में। एग्जाम्पल बेटा गेहूँ, ठीक है, गेहूँ को हम बोते हैं ठंडी में और उसकी कटिंग करते हैं हम लोग अप्रैल जून से, उसको बोलते हैं दौरी कटिया, ठीक है। उसके बाद खरीफ क्रॉप्स की बात करें बेटा, तो ये मानसून में हम इसको जो हार्वेस्ट करते हैं वो सितंबर अक्टूबर में, यानी कि जब अप्रैल जून के बाद जो सीन होता है बेटा, ठीक है, अप्रैल जून के बाद क्या कहते हैं कि अप्रैल जून के बाद मतलब काफ़ी समय, थोड़ा सा 3-4 महीने गैप, यानी कि अगर हम मोटा मोटी बात करें बेटा तो जुलाई के बाद, ठीक है, जुलाई के बाद अगर हम लोग इसको देखें तो जुलाई के बाद जो जुलाई से स्टार्टिंग होती है इसको, इसकी जून जुलाई नहीं, जुलाई नहीं, जून जुलाई अगस्त, अगस्त से अगस्त के आखिरी में इसकी बुआई होती है बेटा खरीफ की, ठीक है। और फिर हम इसको मतलब ठंडी में सितंबर अक्टूबर तक क्या कर लेते हैं, मतलब कि गेहूं के बोने से पहले हम इसको काट लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल में बेटा होता है हमारा धान, धान कह सकते हैं, यानी कि चावल कह सकते हैं, ठीक है। और इसी बीच में होता है बेटा ये एक जैद क्रॉप्स आते हैं, जो जैद होते हैं वो रबी और खरीफ के बीचों बीच के क्रॉप्स होते हैं, यानी कि जो जैसे कि जिस समय रबी खरीफ, रबी क्रॉप्स नहीं बोया जाता है और जिस समय खरीफ क्रॉप्स नहीं बोया जाता है उस समय जैद क्रॉप्स को बोया जाता है और उस समय इसकी खेती की जाती है। जैसे जो छोटे मोटे फल फ्रूट्स होते हैं जैसे कि गोभी वोभी हो गया, मटर्स हो गई, ये सब की जो बीच बीच में समय समय पर खेती होती रहती है, क्या कहते हैं बेटा सब्जियों की, वो जैद में आते हैं, ठीक है, उनको ज़्यादा समय नहीं लगता। नेक्स्ट है कुछ क्रॉप्स हैं जैसे फसल के नाम है बेटा, जैसे ये चावल है, राइस है, वो खरीफ क्रॉप्स है, अभी हमने बात की खरीफ क्रॉप्स है, और ये अलुवी अलुवियल मिट्टी में होती है, ठीक है। और वीट है बेटा रबी क्रॉप है, इसको बारे में बताया कि वीट एक रबी क्रॉप है, ये भी अलुवियल मिट्टी में होती है। और उसके बेटा हम लोग बात करते हैं, ये भी सीन है कि होता कहाँ क्या है, तो जो चावल है उसमें ज़्यादा पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश में होता है, ठीक है, दिमाग में रखना, पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश, और गेहूं भी वहीं पे पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश मेनली, ठीक है। उसके बाद बात करोगे हम भुट्टे की, तो भुट्टे में बेटा आ जाता है सबसे ज़्यादा जो प्रोड्यूस करता है कर्नाटका है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, आंध्र प्रदेश है, यानी अभी तक उत्तर प्रदेश तीनों में कॉमन है बेटा, ठीक है। उसके बाद अगर हम, हाँ
तो अभी तक तो यही बेटा, ठीक है। इतने अभी तक तो दो ही चीज थे, मतलब कि मक्का है, शुगर केन है, उसके बाद गेहूं है, चावल है। इन सब में बेटा यूपी का नाम सब में कॉमन है, तो यूपी को कहीं पे भी आप आंसर में चिप सकते हो, आपको नंबर बकायदे मिलने वाला है, ठीक है, एसएसटी के पेपर में। नेक्स्ट है बेटा जो मिलेट है, ज्वार है, बाजरा, मिलेट में ज्वार बाजरा और रागी आर द इम्पोर्टेंट मिलेट ग्रोन इन इंडिया, यानी बहुत इम्पोर्टेंट है ये। इसको कहते हैं मोटंजा, कहते हैं बेटा इसको हिंदी में, जगह क्या कहते हैं, मोटंजा। और दोज दीज आर नोन एज द कोर्स ग्रेन, दे हैव हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू, इनके ना बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है। जैसे बेटा रागी के अंदर बहुत ज़्यादा आयरन, कैल्शियम और न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ज्वार के अंदर जैसे क्या होता है बेटा कि थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट फूड क्रॉप, यानी कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब क्वांटिटी में ज़्यादा होता है और बहुत ज़्यादा हेल्प करता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को। नेक्स्ट है बेटा बजरा, बजरा जो होता है वो सैंडी सॉइल और सैलो ब्लैक सॉइल में होता है, और ये भी कुछ रागी और ज्वार की तरह ही होता है, और डाइजेस्टिव सिस्टम में इजीली क्या होता है बेटा, ये डाइजेस्ट हो जाते हैं, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट बेटा पल्सेस की बात करो तो इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज कंज्यूमर पल्स इन द वर्ल्ड। तो जो इंडिया है ना वो बहुत ज़्यादा दलहन उगाता भी है और दलहन का कंज्यूमर भी है, ठीक है। तो दीज आर द मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन इन वेजिटेरियन डाइट। तो प्रोटीन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, पल्सेस। पल्सेस की वजह से ही हम क्या मिलता है, हमको डाइट में अपने प्रोटीन उपलब्ध हो पाता है, ठीक है। नेक्स्ट है फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन, यानी कि ग्रेन से हट के, नहीं अनाज से हट के कौन कौन से फूड क्रॉप्स होते हैं बेटा, तो वो है शुगर केन, शुगर केन यूपी में ज्यादा होता है। ऑयल सीड्स, ये भी यूपी में कह सकते हो। 2016 इंडिया वॉज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंड नट इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। इन 2016 में जो मूंगफली की खेती थी वो भारत में दूसरा नंबर था चाइना के बाद। नेक्स्ट है चाय, चाय भी खेती होती है, कॉफ़ी, कॉफ़ी भी होती है बेटा, ठीक है। और क्या मेंशन है कि इंडियन कॉफ़ी नोन एज द वर्ल्ड फॉर इट्स गुड क्वालिटी, यानी कि पूरे दुनिया में हमारी कॉफ़ी गुड क्वालिटी नाम जानी जाती है। द अरेबिका वेराइटी इनिशियली ब्रॉड फ्रॉम यमन इज प्रोड्यूस इन द कंट्री, और यहाँ पे जो कॉफ़ी होती है वो यमन से लाई गई है, ठीक है, यहाँ पे होती है बेटा। नेक्स्ट है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, तो 2016 में इंडिया वो द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। 2016 में चाइना के पास सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर इंडिया ही था फ्रूट के मामले में, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है नॉन फूड क्रॉप्स, जैसे जो कि खाने में, नहीं खाद्य योग में नहीं आते, जैसे फाइबर क्रॉप्स, जैसे हो गया बेटा कॉटन, जूट, हेम्प, सिल्क, ये सब जो हैं वो फाइबर हैं जिनसे कपड़ा उद्योग या टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज क्या होती है, रन करती है, ठीक है। इनके बिना टेक्सटाइल इंडस्ट्री किसी काम की नहीं हो जाए। नेक्स्ट बेटा राइट द फुल फॉर्म ऑफ HYB स्टेट, वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और, तो वो बात करेंगे अभी HYB का फुल फॉर्म क्या है, तो उसका मतलब है बेटा हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछता है बेटा बोर्ड के पेपर में, ठीक है, ध्यान देना, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, जिसको हाइब्रिड सीड भी कह सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग देखें बेटा तो टाइप ऑफ मिलेट रिच इन आयरन, कैल्शियम, अदर न्यूट्रिएंट, यानी मिलेट्स में कौन से पार्ट में आयरन, कैल्शियम और माइक्रोन्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो वो है बेटा बाजरा, राजमा, ज्वार, रागी। रागी में टिक मार देगा, ठीक है। नेक्स्ट बेटा इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर शुगर केन ओनली आफ्टर ब्राजील, यानी ब्राजील इज द नंबर वन लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन और दूसरे नंबर बेटा आता है इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट है जूट इज द गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया, जो जूट है वो गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया है क्योंकि इंडिया में जूट अच्छा खासा प्रोडक्शन होता है, उसके बाद बांग्लादेश भी है जो जूट का प्रोडक्शन करता है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट है क्यों 3 नंबर बेटा राइट द फीचर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, यानी इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में क्या जानते हैं, उनके 3 फीचर्स लिखिए। तो सिंपल है बेटा, कुछ करना नहीं है, बताना है कि भारत में, हमारे इंडिया में लगभग कृषि प्रधान देश है, यानी एग्रीकल्चर बेस्ड लैंड है, और यहाँ पे 2/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में एक्टिविटी में बिहेव करता है, यानी कि जितना भी पॉपुलेशन है उसका 2/3 एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, ठीक है। इस वजह से हमारा जो वर्ल्ड कंट्री है वो एग्रीकल्चरल प्रिंसिपल पे बेसिस है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट डू मीन बाई 3 एग्रीकल्चर सीजन ऑफ इंडिया, तो 3 वो है रबी, खरीफ, जैद, तीनों के बारे में लिख देंगे, ठीक है, और एक एग्जाम्पल दे देंगे। नेक्स्ट बेटा आपका लिस्ट द इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म प्रोग्राम इंट्रोड्यूस बाई गवर्नमेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर, यानी गवर्नमेंट ने फार्मर के लिए क्या क्या बनाए हैं हुए हैं स्कीम, उनको देखते हैं। तो 1980-90 में, 80 से 90 के बीच में बेटा, ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूशन
कुछ बहुत सारे प्रोग्राम गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए हैं, ठीक है, जिसमें कुछ इंस्टीट्यूशन और टेक्निकल रिफॉर्म्स हैं। इसमें पहला आता है बेटा कि इंश्योरेंस, यानी कि जो भी उनके अनाज हैं किसानों के जो बोएंगे, अगर सूखा पड़ गया, फ्लड आ गया, साइक्लोन आ गया, आग लग गई या कोई बीमारी से ख़राब हो गया, तो उसके लिए इंश्योरेंस होता है खेतों में, ठीक है बेटा, क्रॉप का इंश्योरेंस होता है, वो गवर्नमेंट ने प्रदान किया। उसके बेटा ग्रामीण बैंक में फार्मर्स का खाता खुलाया और वहाँ पे छोटे छोटे अमाउंट में लोन देने, जो कि इसका इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम हो, ठीक है। उसके बाद किसान केसीसी दिया, जिसमें पर्सनल एक्सीडेंट स्कीम भी दिया, जिसमें अगर किसान की अगर किसी तरीके से मौत जाती है एक्सीडेंट से, तो उनको रिकवरी मिलती है, ठीक है। और बहुत सारे जैसे बहुत सारे सीन्स, जैसे कि प्रोग्राम्स टीवी पे, रेडियो पे, जैसे कृषि दर्शन टीवी पे आता है, रेडियो पे भी आता है, जिसमें जितने भी बेटा एग्रीकल्चर वाले बंदे होते हैं, वो मतलब फार्मर्स को समझाते हैं कि कैसे कितनी खेती करनी चाहिए, कौन सा बीज डालना चाहिए, कितना दवा छिड़कना चाहिए, सब बताते हैं उसके अंदर, ठीक है। और गवर्नमेंट ने कुछ मिनिमम प्राइस बनाए हुए हैं, जिसको MSP कहते हैं, मैक्सिमम मिनिमम सेलिंग प्राइस, जिसपे जिससे नीचे किसान से कोई भी अनाज नहीं खरीद सकता। तो ये सारे सीन्स हैं बेटा जो गवर्नमेंट ने फार्मर्स के लिए इंट्रोड्यूस किए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट बेटा इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या है? तो ऐसा फार्मिंग जिसमें एरियाज ऑफ हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड, यानी कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड है, मतलब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, जो खेती उसको बोलते हैं बेटा इंटेंसिव सब्सिस्टेंस खेती, यानी कि फार्मिंग। और इट इज लेबर इंटेंसिव फार्मिंग, यानी कि इसमें लेबर बहुत ज़्यादा अमाउंट में होते हैं, ठीक है, और इरीगेशन फॉर प्रोडक्शन हाइयर। और इसमें बेटा कि बहुत ज़्यादा बायोकेमिकल क्या कहते हैं फर्टिलाइजर्स का प्रयोग करते हैं, ताकि हमको ज़्यादा प्रोडक्टिविटी निकल के आए उसमें से, ठीक है। उसके बाद है कॉमर्शियल फार्मिंग, जिसमें हम HYB सीड का प्रयोग करते हैं, हाइब्रिड सीड्स का, जिससे बहुत ज़्यादा अमाउंट में अनाज निकल के आया, जिससे कि जो भी हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है उसको सबको फीडिंग हो सके। जैसे इस समय गेहूं चावल राशन पे फ्री मिल रहा है, उसी टाइप की स्कीम बेटा गवर्नमेंट लॉन्च करती रहती है, ठीक है। तो ये सारे के सारे आते कहाँ से? तो भैया किसान उगाएंगे तभी तो आएगा ये सीन बेटा। उसके बाद झूमिंग कल्टीवेशन, झूमिंग कल्टीवेशन का मतलब होता है कि जो एक जगह से दूसरी जगह घूम घूम के कल्टीवेशन करते हैं, पहले जंगल जला के देते हैं, फिर राख से पोटाश बना के छिड़क के फिर वहाँ पे खेती करते हैं, ठीक है। और खेती करने के बाद फिर जब कई बार खेती करते हैं, जब वहाँ का जमीन और उपजाऊ हो जाती है, तो फिर छोड़ के फिर आगे चल के फिर जला के फिर खेती करते हैं, ठीक है। इसको झूम कल्टीवेशन भी कहते हैं, ठीक है, और स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर सिस्टम भी कहते हैं बेटा, ठीक है। नेक्स्ट है तो ऐसे क्वेश्चंस आप देख लो बेटा, ऐसे क्वेश्चंस आपके जैसे झूम कल्टीवेशन टॉपिक पे, चाहे आप महात्मा गांधी डिक्लेयर विनोबा भावे इस वाले सीन पे, तो एक पैराग्राफ आ जाएगा, उसमें से क्वेश्चन पूछेगा, आप उसके लिए तैयार रहना पैराग्राफ पढ़ने के लिए। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, आप उसको बिल्कुल इजीली उसको कर सकते हैं बिना कोई टेंशन के, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बेटा मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। तो देखते हैं मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज क्या है। तो बेटा जो हमारा चैप्टर है वो है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, यानी कि मिनरल्स और एनर्जी रिसोर्सेज का मतलब बेटा कि ये भी एक तरह का रिसोर्स है, यानी कि संसाधन है। तो मिनरल्स क्या होते हैं बेटा? तो जो भी सॉयल से यानी जमीन से, जो भी जमीन से चीज़ें निकाली जाती हैं बेटा, ठीक है, उन सभी को हम मिनरल्स कहते हैं, यानी ऑल द थिंग्स विच वी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड मिनरल्स, यानी हर एक चीज़ को मिनरल्स कहते हैं, ठीक है। और बेटा जो मिनरल्स होते हैं, ठीक है, वो तीन टाइप्स के होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ मिनरल्स, ठीक है। पहला है जो लिस्ट हम लोग करना है टाइप्स ऑफ मिनरल्स है। उसके बाद वेयर आर मिनरल फाउंड, यानी मिनरल कहाँ मिलता है। उसके बाद बेटा कंजर्वेशन ऑफ मिनरल एनर्जी रिसोर्सेज, और चौथा है प्रोडक्शन एरियाज ऑफ मिनरल एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है। तो अभी लिस्ट है यहाँ पे बेटा, मेंशन है कि कौन कौन से पॉइंट हिसाब से हमको डिस्कशन करनी है। तो पहला बेटा मिनरल, यानी जो भी धरती से निकाली हुई चीज़ें उसको मिनरल कहते हैं, ठीक है। मिनरल्स में से हम जिस मिनरल्स में से हम लोग मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं बेटा, ठीक है, उसको हम कहते हैं ओर्स, ठीक है। क्या बोलते हैं? ओर्स कहते हैं, यानी कि हम हर एक मिनरल में से मेटल्स नहीं निकालते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि जैसे कि अगर हम लोग थोड़ी चर्चा करें बेटा, ठीक है,
थोड़ी सी अगर हम लोग एक बात पे अगर चर्चा करें कि मान के चलो कि आयरन है, आयरन ठीक है, आयरन के कितने ओर होते हैं, ठीक है, तो आयरन की हम बात करें तो बेटा तीन ओर होते हैं, ठीक है, कितने, तीन, एक होता है बेटा आपका हेमाटाइट, एक होता है बेटा आपका मैग्नेटाइट और तीसरा होता है बेटा आपका लियोनाइट। अब इन तीनों ओर में से हम लोहा किसे निकालते हैं, तो हम सबसे ज़्यादा लोहा हेमाटाइट से निकालते हैं, दूसरे नंबर पे मैग्नेटाइट से, और हम लियोनाइट से कभी भी लोहा नहीं निकालते। इसका मतलब ये ओर नहीं है, तो ये ओर है पर निकालते नहीं, क्यों, क्योंकि सबसे कम लोहा इसके अंदर पाया जाता है, और अगर हमने निकालने की कोशिश करी तो हमें बहुत ज़्यादा लॉस होगा, इस वजह से हम लियोनाइट से लोहा नहीं निकालते हैं कभी, ठीक है, नहीं निकालेंगे चलेगा पर लॉस हम लोग नहीं करते कभी, ठीक है। तो ये बेटा टोटल बिजनेस थिंग्स है, मिनरल्स और एनर्जी रिसोर्सेज की बातें हैं, जिसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, कम होता है, तो वही मिनरल हम क्या करते हैं बेटा, एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब सारे के सारे मिनरल पाए कहाँ जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं बेटा धरती में, ठीक है, अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं सारे के सारे मिनरल्स। और हमको मिनरल कंजर्वेशन क्यों हो सकता है, क्योंकि जितने भी मिनरल्स हैं वो भी एक लिमिटेड अमाउंट में है, फिक्स अमाउंट में है, ठीक है, और अगर हमने इस पे ध्यान नहीं दिया, ठीक है, अगर हमने इस पे ध्यान नहीं दिया इन मिनरल्स पे, तो एक समय ख़त्म हो जाएंगे मिनरल्स, मतलब कि एग्जॉस्ट हो जाएंगे, और फिर हमको सोचना पड़ेगा, यानी लकड़ी के समान चिचलना पड़ेगा, ठीक है, हर जगह बस उड का ही प्रयोग हो पाएगा, अगर उड भी बचा रहे तो, क्योंकि जब जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो उड़ कहाँ से आएगा, ठीक है बेटा, तो सब कुछ यहाँ पे नायाब हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रोडक्शन एरियाज ऑफ मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है, तो नेक्स्ट है कि हम कैसे प्रोडक्शन करते हैं, तो प्रोडक्शन के लिए अलग तरीके है, एक्सट्रक्शन है, और भी तरीके हैं। एनर्जी रिसोर्सेज की बात करो तो कुछ एनर्जी होती है बेटा वो होती है रिन्यूएबल एनर्जी, और कुछ एनर्जी होती है, यानी कि हम अगर हम एनर्जी की बात करें बेटा सिंपल, ठीक है, तो एनर्जी को क्लासिफाई करो तो हम दो पार्ट में एनर्जी को क्लासिफाई कर सकते हैं, एक होता है बेटा रिन्यूएबल एनर्जी और एक होता है बेटा आपकी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब वो एनर्जी जो अपने आप को क्या कर ले बेटा, फिर से रिकवर कर ले, ठीक है, और नॉन का मतलब जो अपने आप को रिकवर ना कर पाए, जैसे रिकवर वाले का बेटा सनलाइट है, वाटर है, एयर है, और नॉन का है आपका, नॉन की बात करो तो नॉन में है बेटा आपका है कोल है, पेट्रोलियम है, तो ये आपका नॉन, जैसे कि नॉन रिन्यूएबल है, इसको हम रिन्यू नहीं कर सकते, एक बार ख़त्म तो ख़त्म, टाटा बाय बाय हो जाएगा, ठीक है। तो ये सीन्स है बेटा जब हम प्रोडक्शन एरियाज की बातें करते हैं। नेक्स्ट है जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो तथ्य हैं, जैसे माइंड मैप के साथ देख सकते हो कि इंपॉर्टेंस ऑफ मिनरल्स, यानी मिनरल्स की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो इसलिए पड़ती है क्योंकि इसका उपयोग से हम अपनी टेक्नोलॉजी से, टेक्नोलॉजी की मदद, अगर मतलब टेक्नोलॉजी प्लस मिनरल्स से ही हम अपने लाइफ स्टाइल्स को और बेहतर कर सकते हैं, अगर टेक्नोलॉजी हो और मिनरल्स ही ना हो तो हम वो टेक्नोलॉजी उपयोग किस पे करेंगे और हमारी लाइफ स्टाइल बेटर नहीं हो सकती, ठीक है। नेक्स्ट है वेयर आर मिनरल्स फाउंड, तो सारे ही सारे मिनरल कहाँ मिलते हैं, वही तो धरती माता के अंदर मिलते हैं सारे मिनरल्स, ठीक है, तो अब हम लोग इस पे ध्यान देंगे। नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ मिनरल, टाइप ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज, बेटा यहाँ पे कुछ कीवर्ड है, जैसे हम बात करेंगे मिनरल, तो मिनरल का मतलब होता है जियोलॉजिकली, जियोलॉजिकली नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस जो कि अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर में मिलता है, उसको हम बेटा मिनरल्स कहते हैं। अब उनकी दो प्रॉपर्टी, एक फिजिकल है, केमिकल प्रॉपर्टी, इससे हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि मिनरल है कि नहीं है। नेक्स्ट है रॉक्स, रॉक्स क्या होते हैं, तो रॉक्स जैसे कि अगर बात करो तो मतलब मिनरल्स हैं कि धरती में हैं पाए जाते हैं, नहीं, बहुत सारे मिनरल रॉक्स में भी पाए जाते हैं बेटा, तो कह सकते हैं कि भाई रॉक्स में भी मिनरल पाए जाते हैं, इन धरती पे या धरती के अंदर, ठीक है, जैसे रॉक में पाए जाते मिनरल, जैसे लाइम स्टोन है बेटा, ये भी रॉक में पाया जाता है। उसके अलावा मैग्नेटाइट क्या है भाई, तो इसमें आयरन का ओर 70% लगभग होता है, ठीक है, 70% आयरन कंटेंट होता है इसके अंदर, मैग्नेटाइट के अंदर, और इसमें एक्सेलेंट मैग्नेटिक क्वालिटी होती है, और हेमाटाइट में बेटा लगभग लगभग ये होता है आपका 50 to 60%, ठीक है। एक नेक्स्ट बात करेंगे बेटा हम लोग कन्वेंशनल सोर्सेज, जिसमें हम लोग बात करेंगे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी, जो कि हाइड्रल और थर्मल स्टेशन से बनाए जाते हैं। अब नॉन कन्वेंशनल का मतलब बेटा जिसमें सोलर प्लांट हो गए, सोलर सेल से, सोलर है, विंड है, टाइडल है, बायोगैस है, इससे हम जो एनर्जी बनाते हैं उसको हम नॉन कन्वेंशनल एनर्जी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन आंसर की बारी आ गई,
कि नागरकोइल एंड जैसलमेर, ठीक है, नागरकोइल एंड जैसलमेर आर वेल नोन फॉर इफेक्टिव यूज़ ऑफ विंड एनर्जी. ठीक है, विंड एनर्जी सबसे ज़्यादा यहाँ पे यूज होता है. नेक्स्ट है द पेयर ऑफ स्टेट विच इज़ बोथ मोस्ट पेट्रोलियम डिपॉजिट, तो वो है बेटा बी असम एंड गुजरात. नेक्स्ट है नॉन मेटेलिक मिनरल, तो डी है बेटा ग्रेनाइट. अल्मोनियम ऑब्टेन फ्रॉम बॉक्स बॉक्साइट. ठीक है बेटा, एमसीक्यू पूछा जा सकता है. यूरेनियम एंड थोरियम यूज फॉर जनरेटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट फाउंड इन अरावली रेंजेज ऑफ बेटा राजस्थान. ठीक है, नेक्स्ट है इन विच रीजन ऑफ इंडिया टाइडल एनर्जी प्रोड्यूस, तो वो बेटा गल्फ ऑफ कच्छ. ठीक है, गल्फ ऑफ कच्छ है. नेक्स्ट है बेटा आपका है, हाँ, गल्फ ऑफ कच्छ में टाइडल एनर्जी पर प्रोडक्शन होता है. टेरिटरी कोल्स ऑकर इन, तो वो बेटा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में टर्शरी कोल्स वहाँ पे मिलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है माइका यूज इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज बिकॉज बिकॉज ऑफ इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी एंड रेजिस्टेंस टू हाई वोल्टेज. दोनों बातें हैं, एक तो ज़बरदस्त इंसुलेटर है और वोल्टेज भी क्या होता है बेटा इसका, हाई होता है. ठीक है, नेक्स्ट है लाइमस्टोन इज द बेसिक रॉ मटेरियल ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री, यानी कि सीमेंट इंडस्ट्री में लाइमस्टोन का बहुत ज़बरदस्त प्रयोग करते हैं. नेक्स्ट बेटा कि द लार्ज ऑकरेंस ऑफ मिनरल ऑफ इंडिजीनियस मेटामॉर्फिक रॉक्स आर कॉल्ड, तो उसको बोलते हैं बेटा हम लोग लोड्स. क्या बोलते हैं उसको, लोड्स बोलते हैं. अब राइट द टाइप्स ऑफ आयरन ओर्स, तो आयरन ओर्स के चार टाइप्स होते हैं बेटा, मैगनेटाइट, हेमाटाइट, साइडराइट एंड लिमोनाइट, जिसमें से मेनली हम मैगनेटाइट, हेमाटाइट, लिमोनाइट के बारे में ज़्यादा पढ़ते हैं, साइडराइट के बारे में बहुत कम पढ़ते हैं. ठीक है, व्हाट आर द एडवर्स इफेक्ट ऑफ माइनिंग ऑन द एनवायरमेंट, तो भाई माइनिंग से हमेशा क्या होता है, लैंड इरोजन होता है, इकोसिस्टम ख़राब होता है. ठीक है, और बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है. ठीक है, नेक्स्ट बेटा कि राइट द नेम ऑफ थ्री कोल फील्ड इन इंडिया, तो कोल फील्ड कौन कौन से हैं, तो एक है गोंडवाना कोल, दूसरा दामोदर वैली, तीसरा है बेटा महानदी बेल्ट. तो यहाँ पे कोल फील्ड है इंडिया के. नेक्स्ट है व्हाट आर द वेज टू कंजर्व एनर्जी, तो एनर्जी कंजर्व करने के लिए क्या क्या तरीके हैं, तो हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करना चाहिए, हमें इलेक्ट्रिक डिवाइसेस बंद करने चाहिए जब घर में यूज ना हो, तो हमें नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स का प्रयोग करना चाहिए, और पावर इक्विपमेंट वे चेक टू डिटेक्ट डैमेज एंड लीकेज, और हमें मतलब कि हमेशा पावर चेक कराते रहना चाहिए कहीं हम लोग का जो डिवाइस है वो डैमेज तो नहीं हो, क्योंकि डिवाइस डैमेज होने के बाद भी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी क्या करता है, कंज्यूम करता है. ठीक है, वाई इज इट नेसेसरी टू कंजर्व द मिनरल इज नेसेसरी, भाई मिनरल को नेसेसरी कंजर्व करने क्या हो सकता है, क्योंकि दे आर नॉन रिन्यूएबल और एग्जॉस्टेबल, यानी उनको हम रिन्यू नहीं कर सकते और वो कभी ना कभी ख़त्म हो जाएंगे, इसलिए हमको इसको कंजर्व करना बहुत ही आवश्यक है बेटा. ठीक है, अब यहाँ पे कुछ सोर्स हैं वहाँ से, जैसे कि मैनेज प्रोडक्शन एरिया, यानी सबसे ज़्यादा मैनेज कहाँ पे प्रोडक्शन होता है, तो अब देख लो बेटा सबसे ज़्यादा मैनेज प्रोडक्शन होता है एमपी में. ठीक है, एमपी का देखो पूरा बहुत ज़्यादा पार्ट है, उसके बाद दूसरे में महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र एमपी मिलकर सबसे ज़्यादा मैनेज का प्रोडक्शन करते हैं. बॉक्साइट की बात करें तो बॉक्साइट में अल्मोनियम, अल्मोनियम की प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा परसेंटेज होती है बेटा उड़ीसा में, तो उड़ीसा में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट के और वहाँ पे उपलब्ध हैं. ठीक है, नेक्स्ट है बेटा हम लोग बात करेंगे, तो इसी को इसी इन्हीं इन्हीं दो चीज दो तीन चीज़ों को बेटा, जैसे कि हम लोग जैसे कि क्या है कि जब ये वीडियोस कंप्लीट होगा तो कल की नहीं बात कर रहा हूँ मैं, कह रहा हूँ कि 14 मार्च को, अगर 15 का पेपर है एसएसटी का, तो 14 मार्च को शाम को 7 बजे बेटा हम लोगों ने मैप का मैंने वीडियो क्या कर रहा है कि प्रीमियम कर दिया है, प्रीमियर कर दिया है वहाँ पे, और आप शाम को 7 बजे लग के देख लेना, आपका पूरा मैप कवर हो जाएगा बेटा, हर एक चीज़ जो ज्योग्राफी में छूटी हुई है वो सब कुछ उसमें पूर्णतः क्या हो जाएगा बेटा, कवर हो जाएगा, और एक नंबर ज़बरदस्त. फिर आपको थोड़ी भी टेंशन लेने की बेटा वहाँ पे आवश्यकता नहीं है मैप के संदर्भ में अगर हम बात करें. ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बेटा कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री चैप्टर 6, कौन कौन से इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग है, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज रेफर्स टू इंट्रोड्यूसिंग गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी प्रोसेसिंग रॉ मटेरियल, यानी कि कोई भी अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है तो उसको रॉ मटेरियल चाहिए मैन्युफैक्चर करने के लिए. ठीक है, इट इज़ द बैकबोन टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है वो किसी भी देश के इकोनॉमिक को बहुत ज़्यादा बूस्ट करती है. ठीक है, तो हमारे इंडिया में इकोनॉमिक डेवलपमेंट इसलिए ज़्यादा है क्योंकि हमारे यहाँ जो मैन्युफैक्चरिंग हब है वो बेटा बहुत ज़्यादा है. ठीक है, नेक्स्ट है इट हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है क्योंकि नए नए इक्विपमेंट आते हैं. ठीक है, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी खत्म होती है जब भी मॉडर्नाइजेशन होता है. इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन वेयर रॉ मटेरियल लैंड लेबर इन कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल, तो कोई भी इंडस्ट्रीज बंदा वहीं खोलता है जहाँ पे उसको रॉ मटेरियल मिल जाए,
सस्ती ज़मीन मिल जाए, सस्ते लेबर मिल जाए, कम पूंजी लगे और इंफ्रास्ट्रक्चर भी इजीली अवेलेबल हो जाए, तो कोई भी बिजनेसमैन बेटा वहीं पे अपनी इंडस्ट्रीज खोलता है। ठीक है, अब ये इट हेल्प इन अर्बनाइजेशन, जहाँ पे इंडस्ट्री खुलती है ना बेटा, वहाँ पे काफ़ी मतलब कि लोकेलिटी बढ़ जाती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा चहल पहल होने लगती है और वो जगह धीरे धीरे मतलब कि अगर वो विलेज टाइप का है या आउटर रीजन में है, तो धीरे धीरे बेटा वहाँ पे लोग सेटल होने लगते हैं और वो वहाँ पे अर्बनाइजेशन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है इंडस्ट्री क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, यानी इंडस्ट्री जो भी होते हैं वो किस बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं, तो वो है रॉ मटेरियल, तो एग्रो बेस और मिनरल बेस, और रोल प्लेट पे बेसिक कंज्यूमर इंडस्ट्रीज, उसके बाद कैपिटल इन्वेस्टमेंट में स्मॉल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, ऑनरशिप में पब्लिक है, प्राइवेट है, जॉइंट है और कोऑपरेटिव सेक्टर है, और बल्क वेट में बेटा हैवी एंड लाइट इंडस्ट्रीज। तो कई तरह के ये इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन है जो यहाँ पे इंडस्ट्रीज हम लोग आप इंडिया में देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बेटा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, जिसमें हम लोग एग्रीकल्चर इक्विपमेंट प्रोड्यूस करते हैं, वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री होती है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जहाँ पे हम कपड़ा उद्योग में होते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो जाती है बेटा। और उसके बाद जूट इंडस्ट्री जो कि वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है, और बेटा टेक्सटाइल इंडस्ट्री तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात में भी है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा शुगर इंडस्ट्री, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में। क्यों? क्योंकि शुगर की प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है बेटा, यूपी में होती है। ठीक है, और जूट प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, वेस्ट बंगाल में होती है। नेक्स्ट बेटा मिनरल बेस इंडस्ट्री में क्या है, तो वो है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, जिसमें मिनरल बेस इंडस्ट्री है, जिसमें एग्जाम्पल है सेल, टिस्को यानी टाटा एंड स्टील कंपनी, और सेल जो है बेटा वो इंडियन गवर्नमेंट गवर्नमेंट सेक्टर इंटरप्राइजेस है, और कुछ प्राइवेट सेक्टर जिसमें हम टिस्को की बात कर रहे थे, तो ये मिनरल बेस इंडस्ट्रीज हैं। नेक्स्ट है आईटी जो इंडस्ट्रीज हैं, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेल करती हैं, वो है बेटा उनके कुछ हैं जैसे कि सनराइज इंडस्ट्रीज है, जैसे सनराइज इंडस्ट्री जो इन्फोटेक है, जैसे बेटा वो है क्या कह सकते हैं हम, विप्रो कह सकते हैं, आप कह सकते हैं वो जैसे कि टाटा, टाटा का जो बेटा आईटी टेक्नोलॉजी वाला है, जिसको कहते हैं बेटा हम क्या बोलते हैं, टाटा कंसल्टेंसी, ठीक है बेटा, इसको बोलते हैं वो टीसीएस, देखो याद आ गया, टीसीएस बोलते हैं बेटा, वो भी आईटी कंपनी है। और क्या कहते हैं आप, अगर विप्रो की बात करो तो वो भी आईटी कंपनी है। तो इसी तरह की आईटी कंपनी जो कि बेंगलोर, पुणे, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, दिल्ली, इन इन जगह पे स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैव लेड टू वास्ट स्केल पॉल्यूशन, तो भैया जब ये चीज़ें भाई मॉडर्नाइजेशन होगा तो कुछ इसके बैड इफेक्ट भी होंगे, तो बैड इफेक्ट में हम बात करते हैं तो जैसे पांच तरह के पोल्यूशन होते हैं, जैसे पानी का प्रदूषण हो गया, एयर का हो गया, लैंड का हो गया, नॉइज का हो गया और थर्मल प्रदूषण हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बेटा क्लासिफिकेशन इंडस्ट्री की बात करो तो हम किस पे क्लासिफाई करते हैं, तो पांच पॉइंट पे क्लासिफाई करते हैं, तो बल्क एंड वेट रॉ मटेरियल ग्रुप, फिनिश गुड की बात करें तो हैवी और लाइट इंडस्ट्रीज है, डेली बेसिस पे जो हम उपयोग करते हैं बेसिस बेसिक इंडस्ट्री और कंज्यूमर इंडस्ट्रीज, कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो हम स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल, और सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल की बात करें तो एग्रो बेस, मिनरल बेस, और ओनरशिप की बात करें तो पब्लिक, प्राइवेट, जॉइंट और कोऑपरेटिव सेक्टर्स यहाँ पे क्लासिफिकेशन में इंडस्ट्री में मौजूद होते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग में, तो गुड्स लार्ज क्वांटिटी में आते ही हैं, कुछ की पॉइंट्स आप देख लो, स्मेल्टिंग जिससे जिससे हम एक्सट्रैक्शन करते हैं जब मेटल्स का, तो उसमें से कचरे को अलग करने के प्रोसेस को हम स्मेल्टिंग कहते हैं। ठीक है, कंज्यूमर इंडस्ट्री जो कि डायरेक्ट यूज करते हैं कंज्यूमर, बेसिक इंडस्ट्री में आपको सप्लाई चेन कह सकते हो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में आप जिसमें इंडस्ट्री विच मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउटी 1 करोड़, यानी ऐसे इन ऐसे इंडस्ट्री जिसमें हम 1 करोड़ से अधिक का इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, उसको हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहते हैं। ठीक है, और लार्ज स्केल इंडस्ट्री का मतलब जिसमें हम 1 करोड़ से ऊपर करते हैं उसको बोलते हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्री। ठीक है, पब्लिक सेक्टर क्या है बेटा, जिसमें इंडस्ट्रीज ओन ऑपरेटेड बाई गवर्नमेंट एजेंसी, यानी गवर्नमेंट जो ऑपरेट करते हैं उसको पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर कहते हैं। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर का मतलब जिसमें जितने खुद के मालिक होते हैं, पर्सनल इंडिविजुअल्स होते हैं, तो उसको प्राइवेट सेक्टर बोलते हैं। ज्वाइंट सेक्टर जिसमें राज्य, स्टेट और इंडिविजुअल्स, यानी कि गवर्नमेंट भी और जो सिंगल बंदा है वो भी दोनों मिल के चलाते हैं, उसको ज्वाइंट कहते हैं। ठीक है, और कोऑपरेटिव का मतलब बेटा जिसमें ओन एंड ऑपरेटेड बाई प्रोड्यूसर हु फॉर्म अ कोऑपरेटिव, यानी कि एक कमेटी बनती है, वो कमेटी उसको उस सेक्टर को रन करती है, उसको बोलते हैं कोऑपरेटिव सेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट बेटा एग्रो बेस, तो इंडस्ट्री डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, और मिनरल बेस, मिनरल एंड रॉ मटेरियल, तो इस तरह से ये सब कॉमन पॉइंट यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है बैंगलोर हैज इमर्ज एज इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया, बैंगलोर को इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल कहते हैं, विच इज द लार्जेस्ट एंड स्टील प्रोड्यूसिंग स्टेट इन द वर्ल्ड, वो है चाइना, चाइना सबसे ज़्यादा स्टील और लोहा प्रोड्यूस करता है वर्ल्ड में, जूट मिल सेटअप कोलकाता में है, फुल फॉर्म टिस्को, टाटा आयरन स्टील कंपनी, अभी मैंने बात की,
नेम वन जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री इन इंडिया, तो वो है ऑयल। ठीक है, ऑयल है जो है वो जॉइंट सेक्टर है। नेक्स्ट है लार्जेस्ट जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट बांग्लादेश, यानी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट जो जूट प्रोड्यूस होता है वो बांग्लादेश करता है। ठीक है, वेयर वॉज द फर्स्ट कॉटन मिल इस्टेब्लिश, सबसे पहला कॉटन मिल कहाँ इस्टेब्लिश हुआ था, तो वो हुआ था बेटा मुंबई में। विच स्टेट इज द लीडर शुगर प्रोड्यूसिंग कंट्री, तो वह है उत्तर प्रदेश, सबसे ज़्यादा शुगर यहीं बनता है। और राउरकेला स्टील प्लांट इन विच स्टेट, वह है बेटा उड़ीसा में। वॉट इज द फुल ऑफ सेल, तो बेटा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये सब फुल फॉर्म बेटा उसको दिमाग में रखना, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे पहला है नेम एंड थ्री फिजिकल फैक्टर लोकेशन फॉर इंडस्ट्री, या इंडस्ट्री खोलने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरत क्या है कि रॉ मटेरियल मिल जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाए और मार्केट मिल जाए, तो भैया कोई भी इंडस्ट्री वहाँ पर खोल लेगा। ठीक है, बेसिक इंडस्ट्रीज क्या होते हैं जिसमें रॉ मटेरियल हो जाए, डेवलपमेंट हो, एग्रीकल्चर हो कॉमनली, और डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री हो। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। ठीक है, नेक्स्ट बेटा व्हाट इज व्हाई शुगर मिल शिफ्टेड टू साउदर्न एंड वेस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया, तो साउदर्न और वेस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया में इसलिए है कि क्योंकि केन प्रोड्यूस हेयर इज सुक्रोज कंटेंट, और यहाँ पे जो केन बनते हैं सुक्रोज बहुत ज़्यादा होता है, इनको चाहिए कूलर क्लाइमेट। और कॉपरेटिव आर मोस्ट सक्सेसफुल इन दिस स्टेट, जो कॉपरेटिव सेक्टर है ना बेटा इसमें बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है इन इन राज्यों में, जैसे कि साउदर्न और वेस्टर्न जो राज्य हैं इंडिया के। ओके, नेक्स्ट बेटा व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग और व्हाट इज देयर इंपॉर्टेंस, तो मैन्युफैक्चरिंग क्या है भाई, तो मैन्युफैक्चरिंग है जो प्रोड्यूसिंग गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी आफ्टर प्रोसेसिंग रॉ मटेरियल्स टू वैल्यूएबल प्रोडक्ट। तो जो भी हम लार्ज प्रोडक्ट की बात करते हैं, लार्ज प्रोडक्शन प्रोड्यूसर प्रोड्यूसिंग की बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग में, वो लार्ज क्वांटिटी की बात करते हैं उसको मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। इनकी इंपॉर्टेंस इसलिए है कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, एक्सपोर्ट प्रमोशन, एरिडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, ये सब चीज़ों के लिए बहुत आवश्यक होती है। तो कौन कौन से भाई पोल्यूशन होता है जो इन्वायरमेंट जो इंडस्ट्री प्रोड्यूस करते हैं, वह एयर, वाटर, थर्मल, लैंड, नॉइज, ये सब क्या कहते हैं बेटा कि इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये थे बेटा हमारे पॉइंट्स रिलेटेड जो कि हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है, तो यहीं तक थे बेटा, ये सारे के सारे पॉइंट थे आपके चैप्टर 6 तक की ज्योग्राफी के। अब हम लोग बात करेंगे सबसे आखिरी चैप्टर ज्योग्राफी का, वो है बेटा चैप्टर 7 लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। ठीक है, तो किसी भी देश की लाइफ लाइन क्या होती है बेटा, तो वो होती है उसकी ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम, और अब हम उसको ध्यान देंगे। और बेटा अगर हम भारत की बात करें तो भारत में अगर हम गौर से देखेंगे तो भारत में इधर से तीन तरफ से लैंड है, अब बाकी इधर से मतलब इधर से लैंड है और इधर से पानी है। ठीक है, और एयर तो वही हर जगह है, तो इसका मतलब कि भारत के अंदर बेटा हम जो भी नेशनल इकोनॉमी में जो लाइफ लाइन है वो ट्रांसपोर्टिंग में तीनों 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 मोड है। ठीक है, एयर भी है, वाटर भी है और लैंड भी है, जिसमें एयर में आप ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम जानते हो एरोप्लेन है, वाटर में बेटा शिप्स हैं, और ग्राउंड पे देख लो तो हैवी हैवी ट्रक्स हैं और ट्रेन का सिस्टम है। ठीक है, जो कि बहुत लॉन्गेस्ट नेटवर्क है बेटा इंडिया में, क्योंकि वर्ल्ड में इंडिया का जो रेलवे रेलवे सिस्टम है बेटा वो वर्ल्ड में सेकेंड नंबर पे आता है, क्योंकि फर्स्ट नंबर पे आता है रशिया और दूसरे नाम पे हमको इंडिया मानते हैं। नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें बेटा तो वो है मोड्स मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, तो इसकी ज़रूरत क्यों है, तो वो है इंक्रीज कॉपरेशन एंड असिस्टेंस बिटवीन द कंट्रीज, दो कंट्रीज के बीच में कॉपरेशन भाई नहीं रहेगा अगर कम्युनिकेशन तो कैसे होगा। ठीक है, इजी मूवमेंट ऑफ गुड्स, गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह आसानी ट्रांसफर करना, ट्रेड करना। ठीक है, डिस्टेंस कम रहेगा तो खर्च कम आएगा, खर्च कम आएगा तो उस पर कम खर्च आएगा तो बहुत सस्ता बिकेगा, सस्ता बिकेगा तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा। ठीक है बेटा, ये था। उसके बाद है रोडवेज, रोडवेज में है रोड ट्रांसपोर्ट में, जैसे रेल ट्रांसपोर्ट हो गया बेटा, तो जो भी इम्पोर्टेंस है रोड ट्रांसपोर्ट का, तो जैसे रोड्स बनाने में जो खर्च हैं वो काफ़ी कम है बजाय रेलवे लाइन्स के। ठीक है, लेकिन रेलवे लाइन्स को एक बार अगर हमने बिछा दिया उसको बार बार उसको हटाना नहीं पड़ता, या फिर वो टूटता बिखरता नहीं है, काफ़ी उसको रिपेयरिंग करनी पड़ती है बस। लेकिन रोड्स क्या होते हैं बेटा कि हर एक निश्चित समय में वो रोड ख़त्म होते रहते हैं और फिर नए रोड्स का निर्माण होता रहता है। ठीक है, उसके बाद बेटा रोड ट्रांसपोर्ट इज इकोनॉमिकल इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्यू पर्सन, जो जो रोड ट्रांसपोर्ट होते हैं ना वो काफ़ी बहुत इकोनॉमिकल होते हैं, कि कब के लिए, तो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए रोड ट्रांसपोर्ट काफ़ी इकोनॉमिकल होते हैं, लॉन्ग के लिए महंगे पड़ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 6 क्लास ऑफ रोड इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी, एक है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे, जो दिल्ली से कलकत्ता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली बाई 6 लेन सुपर हाईवे, 6 लेन का सुपर हाईवे बेटा, इसको गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, जिसको जो लिंक करता है श्रीनगर एंड कन्याकुमारी, यानी
श्रीनगर से कन्याकुमारी कनेक्ट करता है, और एक और कॉरिडोर बेटा जो सिलचर से पोरबंदर कनेक्ट करता है। तो ये भी एक कॉरिडोर है जो कि इम्पोर्टेंट है, सिक्स क्लास रोड है, ठीक है बेटा। दे आर मेड टू रिड्यूस द टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी कम करने के लिए हम इस तरह के रोड का प्रयोग करते हैं। जैसे पहला आता है बेटा नेशनल हाईवे, जो कि बहुत सारे मेजर मेजर सिटीज़ को आपस में कनेक्ट करता है, उसको बोलते हैं हम लोग नेशनल हाईवेज बोलते हैं, ठीक है। और इसको मेंटेनेंस करने के लिए सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट यानी कि CPWD होते हैं बेटा यहाँ पे, ठीक है। वो सेंट्रल द्वारा होते हैं तो इसको CPWD कहते हैं। और ये द नेशनल हाईवे 7 बिटवीन वाराणसी कन्याकुमारी द लॉन्गेस्ट हाईवे, और जो भी नेशनल हाईवे 7 NH7 है बेटा वो बनारस से कन्याकुमारी के बीच में है और सबसे लंबा हाईवे है इंडिया का, ठीक है। फिर नेशनल हाईवे में फर्दर है स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड और अदर रोड। इसमें स्टेट हाईवे बेटा वो जो अलग अलग जितने भी राजधानियाँ होती हैं, कैपिटल्स होते हैं, उनको कनेक्ट करते हैं, कैपिटल्स टू कैपिटल जो कनेक्शन होता है और उसको बोलते हैं लोग स्टेट हाईवे, ठीक है, विथ डिफरेंट हेडक्वार्टर्स, अलग अलग हेडक्वार्टर्स होते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट है इसको जो करते हैं वो SPWD होते हैं, यानी स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट वाले होते हैं जो इसको कवर करते हैं। नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट रोड, तो डिस्ट्रिक्ट रोड को बेटा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जोड़ते हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट आपस में कनेक्ट होते हैं और इसको जिला परिषद मेंटेन करता है। और जितने छोटे मोटे रोड होते हैं वो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से या और भी बहुत सारे स्कीम्स हैं ग्राम लेवल पे जो अदर रोड को बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बेटा बॉर्डर रोड्स, तो जो भी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके लिए अलग कंस्ट्रक्शन बनता है, अलग से पूरा डिपार्टमेंट है जो बॉर्डर के रोड्स को क्या करती है, निर्माण करती है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा इंपॉर्टेंट रेलवे इन इंडिया, तो मैंने बताया ना कि रेलवे का लिंक बहुत खतरनाक है हमारे इंडिया में, तो इस वजह से हमारे इंडिया में इस पे जो खर्च आने वाला है वो भी कम पड़ता है, ठीक है। ट्रांसपोर्टिंग की बात करें तो इंडियन रेलवे जो नेटवर्क है वो इतना स्ट्रांग होने के बावजूद बावजूद इसमें जो कॉस्ट है वो काफ़ी कम आता है। इस वजह से सबसे ज़्यादा जो यूज होता है बेटा ट्रांसपोर्टिंग के लिए प्रोडक्ट्स का या फिर फूड या फिर सामानों का एक जगह से दूसरी जगह वो रेलवे के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा इंपॉर्टेंस ऑफ पाइपलाइंस इन इंडिया, पाइपलाइंस भी बिछाए गए हैं बहुत सारे इंडिया में, जिसमें से अगर पहला हम बात करें तो वो है बेटा ऑयल फील्ड इन अपर आसाम टू कानपुर, यानी कि आसाम से कानपुर के बीच में एक ऑयल फील्ड लाइन बिछाई गई है, ठीक है, जो जहाँ से ऑयल आसाम से कानपुर में आता है। उसके बाद सलाया इन गुजरात टू जालंधर इन पंजाब, उसके बाद गुजरात से पंजाब के बीच में पाइपलाइन बिछाई गई है। उसके बाद गैस पाइपलाइन फ्रॉम हजीरा इन गुजरात कनेक्ट जगदीशपुर इन उत्तर प्रदेश, और फिर बेटा गुजरात के हजीरा से उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर तक एक पाइपलाइन बिछाई गई है जो कि गैस पाइपलाइन में गैस वहाँ से ट्रांसफर की जाती है। ऐसा करने से पाइपलाइन बिछाने से प्रॉफिट ये होता है बेटा कि ट्रांसपोर्टिंग का खर्चा क्या होता है बहुत कम हो जाता है और हमको बहुत ज़्यादा चीप वे में इसको मिल जाता है, ठीक है। मेरी बात करें बेटा तो इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट, तो वाटर इज द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जो पानी वाला जो ट्रांसपोर्ट होता है बहुत सस्ता पड़ता है और बहुत फ्यूल इफिशियंट मोड रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है द नेशनल वाटर वेज बाई द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने वाटर बनाया है गंगा के अंदर, वाटर वे बना दिया है, देख लो क्या है। तो गंगा रिवर में इलाहाबाद से हल्दिया तक 100-120 किलोमीटर का नेशनल वाटर वे 1 बनाया हुआ है, और ब्रह्मपुत्र रिवर में सदिया से डुबरी तक का 891 किलोमीटर नेशनल वाटर वे 2 बनाया हुआ है, ठीक बेटा। और तीसरा वाटर वे है जो वेस्ट कोस्ट कैनाल इन केरला से लेके आपका 205 किलोमीटर का है बेटा, वो नेशनल नेशनल वाटर वे नाम इसका 3 पड़ा है, ठीक है। और ये तीनों वाटर वे से हम फूड प्रोडक्ट्स क्या कहते हैं बेटा टूरिस्ट प्लेसेस ये सब चीज़ों को कवर करने की कोशिश करते हैं, तो हर तरफ से यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारे इंडिया का होता है, ठीक है। अब कुछ मेजर सी पोर्ट्स हैं जिसमें हम लोग बातें करेंगे, ठीक है बेटा। तो जिसे पहले बात करते हैं हम लोग कांडला की, ठीक है। कांडला क्या है, तो कांडला पोर्ट है बेटा जो फर्स्ट डेवलपिंग इंडिपेंडेंस इट डेवलप टू ईस्ट ट्रेड ऑफ मुंबई पोर्ट, कांडला इज टाइडल पोर्ट, ठीक है। कांडला ये गुजरात में पोर्ट है, हम आपको मैप दिखाते हैं बेटा। मैप में अगर हम बात करें आपके लिए, ठीक है, तो मैप में थोड़ा सा हम जो जूम कर देते हैं, ठीक है, तो जूम करोगे बेटा यहाँ पे, तो वहाँ से और जूम कर देते हैं यहाँ पे बेटा, यहाँ पे कांडला पोर्ट यहाँ पे मिलता है हम लोग को इस जगह पे, थोड़ा सा हाईलाइट एंड मार्कअप कर दूँ, तो बेटा ये जगह है जहाँ पे हमको कांडला मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कांडला जो पोर्ट है यहाँ पे मौजूद है इंडिया में। उसके बाद है अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट है बेटा, तो नेक्स्ट है हमारा मुंबई पोर्ट, ठीक है। तो मुंबई पोर्ट भी हम आपको दिखा देते हैं, मुंबई पोर्ट यहाँ पे बेटा सिंपल, यहाँ पे आपका मुंबई पोर्ट है, इसको हटा देते बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा हम दिखा देते हैं आपको पोर्ट्स में, हम्म,
तो बेटा हम यहाँ पे आपको दिखा देते हैं, ये बेटा आपका कांडला पोर्ट जो आप देख सकते हो यहाँ पे मौजूद है कॉर्नर पे। उसके बाद बेटा मुंबई पोर्ट, उसके बाद मारमागांव पोर्ट यहाँ पे। मुंबई बेटा महाराष्ट्र में है, मारमागांव आपका आपका बेटा कह सकते हो कि ये गोवा में मौजूद है, और न्यू मैंगलोर आपका बेटा कर्नाटका में है, कोच्चि है केरल में, तुतीकोरिन तमिलनाडु में, चेन्नई है बेटा तमिलनाडु में, विशाखापट्टनम है आंध्र प्रदेश में, पारादीप है उड़ीसा में, और हल्दिया है बेटा आपका वेस्ट बंगाल में। तो ये जो यहाँ पे मेंशन बेटा मुंबई, उसके बाद बेटा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, उसके बाद मारमागांव पोर्ट, उसके बाद बेटा है न्यू मैंगलोर पोर्ट, कोच्चि, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप, ये सब वहाँ पे बेटा मेंशन है। तो आपको वहाँ पे बस आपको बेटा टिक करना होता है, वहाँ पे जब टिक कर दोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये सारे को कंफर्म कर दिया गया है। और इसी तरह के बेटा मैप पूछा जाता है, और मैप में भी आपको बेटा इसी तरह का आपको वहाँ पे शो करना पड़ता है कि हाँ ये मैप है, और ऐसे ऐसे वहाँ पे ब्लिंक डॉट बना के आप दिखा, थोड़ा इधर उधर हो जाए चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम एग्जैक्ट भी नहीं बनाओगे तो कोई इशू नहीं है। अब ऐसा नहीं बेटा कि कांडला पोर्ट को उठा के सीधा वेस्ट बंगाल में शिफ्ट कर देना, अब इतना भी शिफ्टिंग करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा मोड़ा गुजरात में तो शिफ्ट कर हो जाएगा तो कोई इशू नहीं है, ठीक है, लेकिन गुजरात में ही रहना चाहिए, इन्हें गुजरात से उठा के पाकिस्तान भेज देना, ठीक है, तो दिमाग में रखना बेटा। चलो नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट ऑफ एयरवेज, तो भाई एयर एयर का भी सिस्टम है, क्योंकि एयरवेज थोड़ा सा मतलब कॉस्टली तो पड़ता है, लेकिन ये भी एक फास्टेस्ट रूट है। हमको अगर कोई भी काम फास्टेस्ट करना होता है तो हम एयरवेज को उपयोग करते हैं बेटा, ठीक है। तो अब क्या है कम्युनिकेशन में, तो टू मेजर कम्युनिकेशन इंडिया, तो कौन कौन से कम्युनिकेशन में है, तो वो है बेटा आपका पर्सनल कम्युनिकेशन जैसे लेटर, ईमेल, टेलीफोन, और मास कम्युनिकेशन बेटा टेलीविजन, रेडियो, प्रेस और फिल्म। तो ये कम्युनिकेशन सिस्टम है हमारे इंडिया में, जिसे मेल हैंडल बाई इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट। तो कौन कौन से मेल हैंडल करते हैं भाई हमारे इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट, तो वो हैं फर्स्ट क्लास मेल जो कार्ड्स और एनवेलप्स होते हैं, जो एयरलिफ्ट होते हैं, और दूसरे बच्चे सेकंड क्लास मेल जो इंक्लूड्स बुक पैकेट, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, पीरियडिकल्स, ये सब चीज़ें जो कवर होते हैं वो सेकंड क्लास मेल्स में काउंट होते हैं, ठीक है। और इम्पोर्टेंस ऑफ मास कम्युनिकेशन, तो मास कम्युनिकेशन की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि देश देश दुनिया में बहुत सारी चीज़ें एक संग घटनाएं घटती हैं, और अगर मास कम्युनिकेशन नहीं होगा हम सबके बीच में तो हमें कैसे पता चले कि आज अमेरिका में क्या हो रहा है, चाइना में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है, भाई यूपी में क्या हो रहा है। तो ये सब चीज़ों को जानकारी लेने के लिए हम मास कम्युनिकेशन, रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर, इंटरनेट, सोशल साइट्स, इसका उपयोग करते हैं और हमें बहुत सारे नॉलेज को इकट्ठा करते हैं, ठीक है। तो इसलिए मास मास कम्युनिकेशन की बहुत ज़्यादा आवश्यक है। बहुत सारे लोगों को रील्स भी देखना होता है, भाई रील्स देख लेंगे तभी समझ में आएगा कि क्या क्या हुआ है, और बहुत सारे लोगों को रील्स देख के सुकून मिलता है तो पढ़ाई लिखाई तिलन चली जाती है रील्स देखने समय, ठीक है। चलिए ध्यान रहते, कोई बात नहीं है, उन सबको सादा सादा प्रणाम करते हैं हम लोग जो रीलर रीलर हैं। चलो नेक्स्ट बेटा, आप ट्रेड की बात कर रहे थे हम लोग, तो इंटरनेशनल ट्रेड है। इंटरनेशनल ट्रेड में बेटा एक्सचेंज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, तो जो जो कंट्री जिसको जिसकी आवश्यकता पड़ती है वो इंपोर्ट करता है और एक्सपोर्ट करता है। जैसे इंडिया में बेटा मसाले अच्छे होते हैं, यानी तो हम मसालों का एक्सपोर्ट करते हैं बाहर, और बाहर से कुछ चीज़ों को हम अपने देश में इंपोर्ट करते हैं जो हमारे देश में उपलब्ध नहीं है। लेकिन बहुत खुशी बात ये है बेटा कि हमारे इंडिया में इंपोर्ट बहुत कम होता है, बहुत कम हम इंपोर्ट करते हैं बाहर से, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ों को हम डोमेस्टिकली क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग है हमारे यहाँ, बनाते हैं, इसकी वजह से हमारे यहाँ कॉस्ट कम पड़ता है और हमको वो चीज़ सस्ती मिलती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बेटा बैलेंस ऑफ ट्रेड, उसके बाद बेटा इम्पोर्टेंस ऑफ टूरिज्म एज ट्रेड। तो भाई टूरिज्म तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि टूरिज्म होगा तभी तो टूरिज्म भी एक तरह की ट्रेड कह सकते हैं। हमारे इंडिया में बेटा लगभग देख लो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन है कि हमारे इंडिया में लगभग हाँ यहाँ देखते हैं लोग, हमारे इंडिया में बेटा बहुत ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा टूरिज्म है हमारे इंडिया में, ओवर 2.6 मिलियंस, इम्पोर्टेंट पॉइंट है बेटा, ठीक है, इसको देख लो, लगभग 2.6 मिलियंस अगर हम यहाँ पे देखें तो ये डेटा, हाँ पेन हो गया ना इसको, नहीं ये पेन नहीं चाहिए था यहाँ पे, यहाँ पे चाहिए था मार्कर। तो बेटा लगभग 2.6 हम देखते तो ओवर 2.6 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट हैं जो इंडिया विजिट करते हैं हर साल, ठीक है। उसके बाद बेटा है कि मोर देन 50 मिलियन पीपल आर डायरेक्टली इंगेज इन टूरिज्म इंडस्ट्री, तो जिसकी वजह से
15 मिलियन जो रोजगार है हमारे भारत में वो इन 2.6 मिलियन के संग लिंक है। अब रोजगार होगी जब बाहर से टूरिस्ट आएंगे, ठीक है, तो इस तरह से ये भी एक ट्रेड का सिस्टम है और इकोनॉमिक बैलेंस होती है हम लोगों की। ओके, जैसे हमारे इंडिया में बहुत सारी जगह हैं जैसे कि केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, आपका श्री तिरुपति बालाजी है, उसका बेटा आपका बेटा कि गुजरात में है सोमनाथ मंदिर है, बनारस में काशी विश्वनाथ है, मथुरा में है वृंदावन है, तो ये सब जगह है जो जैसे कल्चरल तौर पर बात करो और पॉलिटिकल तौर पर बात करो तो ये सब जैसे कि सैलानी आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, घूम के जाते हैं और बहुत सारे पैसे निछावा करके जाते हैं जो भी कमाई रखते रहते हैं, ठीक है, और इंडिया से इंडिया का जो इकोनॉमी होता है उसको डेवलपमेंट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके बेटा ये हमारा जो पूरा ज्योग्राफी का डिपार्टमेंट था, 6 7 7 चैप्टर जो ज्योग्राफी की कंप्लीटनेस थी वो हो जाती है यहीं पे ख़त्म, और अब हम लोग इसको करते हैं कंप्लीट, ठीक है बेटा। तो ये था कंप्लीट ज्योग्राफी, आप अगर इस वीडियो को देख सकते हो देखना जरूर क्योंकि आपको बहुत कुछ यहाँ से सीखने को मिलेगा। इसके साथ साथ सिविक्स, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स के भी हम लॉन्ग फॉर्म में वीडियोस लाने वाले हैं, ठीक है, आप उसको देख के स्टडी करो जबरदस्त, तो पेपर फाड़ फूड के आओ। और प्लस इम्पोर्टेंट बात ये है बेटा कि कल पे जा रहा हूँ 14 मार्च को बेटा शाम को 7 बजे हमारा जो प्रीमियर है वो आने वाला है, जो कि पूरी तरह मैप पे बेस्ड है कि कौन कौन सा मैप आपके सिलेबस में है और कौन कौन सा इंपॉर्टेंट मैप्स है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, लोकेशंस हैं, जिसको हमने ज़बरदस्त तरीके से बताया है, आप उनको देखो और ज़बरदस्त मज़े करो बेटा, ठीक है, और ज़बरदस्त नंबर लेके आओ और सब कुछ काम जबरदस्ती कर दो, ठीक है। तो मिलेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो में, चलते हैं हम लोग, जय हिंद।